नमस्कार दोस्तों, मैं रेवती रमन आप सभी का स्वागत करता हूँ एक न्यू सेशन पे। आज का जो सेशन है लेक्चर नंबर 22 हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हम एग्रीकल्चर के लेक्चर 1 से लेके लेक्चर नंबर 21 तक डिस्कस कर चुके हैं, उसकी प्लेलिस्ट यूट्यूब पे बन चुकी है। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं सो प्लीज़ आप सभी लेक्चर्स को देखिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो हम यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं इस बार, हम ICR इंट्रांस एग्जामिनेशन ICR UG की के लिए हम टारगेट कर रहे हैं, ICR PG के लिए हम टारगेट कर रहे हैं। या फिर बात करें अदर आपके एग्रीकल्चर के जितने भी इंट्रांस एग्जामिनेशन है, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, MP पैट की बात करें, हम UP कैडेट की बात करें, BCC की बात करें, या फिर हम एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की बात करें, तो सभी एग्जामिनेशन के यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। तो चलिए आज हम जो सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, इस लक्ष्य बैच में जो डिस्कस किया जाएगा, आज के लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा कल्टीवेशन ऑफ मस्टर्ड, जिसको हम रेप सीड के नाम से जानते हैं, यानी कि मस्टर्ड यानी कि सरसों के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी कि सरसों की खेती कैसे की जाती है वो हम अच्छे से पढ़ेंगे, साइंटिफिक तरीके से हमें पढ़ेंगे कि एक्चुअली में जो सरसों की खेती है वो कैसे की जाती है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। इस लेक्चर के बाद कोई भी आपका डाउट्स नहीं रहेगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, पूरा सरसों की खेती में इस लेक्चर में पूरा कंप्लीट किया जाएगा। तो सो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सभी जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, हिट कर लें जल्दी से। बाकी देखिए जितने भी अभी लाइव पे देख रहे हैं, कृपया करके सेशन को जल्दी से लाइक कीजिएगा, जल्दी से स्टूडेंट्स जल्दी से सेशन को लाइक कीजिए, जल्दी से लाइक कीजिए। लाइक में आपका कुछ भी आपका नहीं जाता है, ठीक है, कोई पैसा नहीं लगता है लाइक करने का। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं इंस्पायरिंग करके लर्निंग प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ पे पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, यहाँ पे एक्सपर्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं और टेस्ट एनालिसिस के लिए यहाँ पे टेस्ट रेगुलर बेसिस पे होते हैं, स्टडी मटेरियल यहाँ पे अवेलेबल आपके लिए हो जाता है। तो जल्दी से हमारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर में जल्दी से डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा। और यहाँ बात करें किसी तरह का आपको एप्लीकेशन फॉर्म से लेकर आपको यहाँ पे जानकारी लेने हो या फिर काउंसलिंग प्रोसेस से लेकर आपको जानकारी लेनी हो तो यहाँ पे स्पेशलिस्ट आपके अवेलेबल रहते हैं जो कि 24/7 यहाँ पे रिप्लाई आपको देते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। यहाँ पे क्लासेस की बात करें रेगुलर बेसिस पे लाइव क्लासेस की बेस्ट क्वालिटी यहाँ पे क्लासेस आपको मिलती है। और ये हम बात करें यहाँ पे जो व्हाट्सएप नंबर है वो 8211111, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कभी भी संपर्क कर सकते हो, 24/7 यहाँ पे डाउट्स आपके सॉल्व किए जाते हैं जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। और हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे जो हमारा मेन आज का टॉपिक है, जो हमारा टॉपिक है वो है मस्टर्ड रेप सीड है। देखिए मैं आपको पहले ही बता दूँ कि जो नोट्स मेरे हैं उसमें हर एक चीज़ आपको नहीं मिलेगी, इसलिए आपको लेक्चर पे जाना ही पड़ेगा, ठीक है, लेक्चर आपको पढ़ने पड़ेंगे। और सभी स्टूडेंट्स से आज बिल्कुल कॉपी पेन निकाल के रखो क्योंकि मैं आज पूरा यहाँ पे आपको बोर्ड के माध्यम से व्हाइट बोर्ड में लिखाने वाला हूँ चीज़ें। तो आप लिखेंगे मैं आपको बताऊँगा क्योंकि डाटा बहुत ही ज़्यादा है तो इसलिए कॉपी पेन निकाल के रखो, फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर से लेक्चर देखना पड़ेगा। तो कॉपी पेन बढ़िया से लेकर रखो। चलिए हम यहाँ पे आर्यन कटोच जी अभी कह रहे हैं, सबसे पहले मुझे बताओ कि जो स्क्रीन है मेरी वो विजिबल सभी को है, कोई नेटवर्क इशू हो, किसी भी तरह का इशू हो, क्योंकि रिकॉर्डिंग रहती है तो रिकॉर्डिंग में यही दिक्कत फिर आती है बाद में, और बाकी वो इशू मुझे बता दो। और मेरी जो वॉइस है वो ऑडिबल आप सभी को, यस। और यहाँ पे आर्यन कटोच जी कह रहे हैं मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है, अगर आप तैयारी करते हो, हार्डवर्क करते रहोगे, मेहनत करते रहोगे तो मंजिल आपको मिल ही जाएगी। अगर आप बीच रास्ते से वापिस मुड़ जाते हो, हट जाते हो, तो मंजिल आपको नहीं मिलेगी। क्लियर है एकदम, बढ़िया जी आयन घोष जी, बहुत अच्छा, चलिए ठीक है। और क्लास में कंटिन्यू सेशन में बने रहें, जो क्लास में देख रहे हो कंटिन्यू क्लास में एंड तक रहें क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए मस्टर्ड की बात यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, मस्टर्ड की बात करें। सबसे पहले अगर मस्टर्ड की बात करें, सबसे पहले हम किस पे आते हैं, हम साइंटिफिक नेम पे आते हैं, बोटैनिकल नेम पे आते हैं। किस पे आते हैं, साइंटिफिक नेम पे आते हैं, बोटैनिकल नेम पे आते हैं। देखिए यहाँ पे हम बोटैनिकल नेम की बात करें या फिर साइंटिफिक नेम की बात करें तो आपको यहाँ पे याद रखना है ब्रासिका स्पीसीज। अब फिर से हम स्पीसीज की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे स्पीसीज आपको पढ़नी पड़ेगी, इसकी डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज होगी, ठीक है। ब्रासिका इज दिस जीनस एंड स्पीसीज हम डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो रेप सीड की बात करें, मस्टर्ड की बात करें, इसको रेप सीड भी कहते हैं, तो ब्रासिका स्पीसीज है। चलिए स्पीसीज के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, स्पीसीज के बारे में देख लेते हैं। तो अगर हम स्पीसीज की बात करें तो इसकी थ्री क्लासिफिकेशन है, कितनी क्लासिफिकेशन है, थ्री है। चलिए थोड़ा सा आगे मैं एक ब्लैंक पेज देखता हूँ, यहाँ पे आपको राइट डाउन करना है। हम यहाँ पे स्पीसीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, ब्रासिका। तो अगर हम बात करें इसको यहाँ पे क्लासीफाई किया गया, कितने क्लासिफिकेशन है, थ्री क्लासिफिकेशन इसकी है स्पीसीज की। अगर हम फर्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करें, लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, नोट्स में नहीं मिलेगी आपको, वो है राय, RAI।
और वो स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो नोट्स के ऊपर डिपेंड है, सर नोट्स सेंड कर देंगे ग्रुप में और हम प्रिंट आउट निकालेंगे और सब कुछ हमारा एग्जाम करेक्ट हो जाएगा। तो इतना ईजी नहीं है एग्जाम करेक्ट करना, उन स्टूडेंट का बिल्कुल यहाँ पे घाटा होने वाला है क्योंकि नोट्स में हर एक चीज नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, राय की बात कर रहे हैं। पहली जो आपकी यहाँ पे क्लासिफिकेशन की राय रहेगी, ठीक है, जो राय है ये भी हमारी क्या है, तीन इसकी आपकी अलग से स्पीसीज है, फर्दर डिवाइडेड है, फर्दर इसकी क्लासिफिकेशन है, तो इसकी भी क्या है, थ्री स्पीसीज है। ठीक है, राय की, आर ए आई, राय, इसकी भी क्या है, थ्री स्पीसीज है, फर्दर लिख लो इसको। ठीक है, इसकी भी क्या है, थ्री स्पीसीज है। ठीक है, अगर इसकी थ्री स्पीसीज की बात करें, फर्स्ट स्पीसीज जो इसकी आती है इंडियन मस्टर्ड, कौन सी है, इंडियन मस्टर्ड, इंडियन मस्टर्ड लिख लो इसको, इंडियन मस्टर्ड है। ठीक है, अगर हम इंडियन मस्टर्ड की बात करें, इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा, बोटेनिकल नेम क्या होगा, चलिए ब्रासिका वैसी आएगा, बी ही लिख रहा हूं मैं, ब्रासिका पूरा नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, ब्रासिका जूंसिया, जी यू एन सी ई ए, ठीक है, ब्रासिका जूंसिया, जूंसिया इज स्पीसीज, इंडियन मस्टर्ड है, ये आपको याद रखना। इंडियन मस्टर्ड आपसे पूछा है बोटेनिकल नेम, अगर आपसे इंडियन मस्टर्ड का पूछा जाए तो क्या लिखना आपको, ब्रासिका जूंसिया, जी यू एन सी ई ए इज द साइंटिफिक बोटेनिकल नेम ऑफ इंडियन मस्टर्ड, इंडियन रेपसीड। ठीक है, अगर वही हम बात करते हैं, किसकी बात करेंगे यहाँ पे, जो राय है, इसका अदर नेम भी कई बार इसको डिफरेंट डिफरेंट नेम से जाना जाता है, कैसे, राय हो गया, लिख लो इसको राय, राया के नाम से जाना जाता है, आर ए वाई ए राया, कई जगह इसको बोलते हैं लाहा, एल ए एच ए, सरसों को लाहा, कई जगह राया बोलते हैं, कई जगह राय बोलते, कई जगह लाहा इसको बोला जाता है। ठीक है, ये आपको आप लिख लो। ठीक है, इंडियन मस्टर्ड को बोला जाता है, इसका ब्रासिका जूंसिया इसका बोटेनिकल नेम है। वही हम बात करते हैं किसकी, ऑयल कंटेंट की बात करते हैं, किसकी, ऑयल कंटेंट की बात करते हैं। देखो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ऑयल सीड क्रॉप पढ़ रहे हैं। मस्टर्ड क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो, मस्टर्ड क्या है, आपकी ऑयल सीड है, क्योंकि मैंने सुबह भी आपको क्लास में बताया था, सुबह क्लास में बताया था, हम इसको जो क्लासिफिकेशन में रखा है, कौन सी क्लासिफिकेशन में रखा है, मैंने ऑयल सीड क्रॉप में रखा है, किसको, मस्टर्ड को, क्यों रखा है, इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को लेके, इसको इकोनॉमिकली किस पर्पज से यूज करते हैं, तो मस्टर्ड को हम इकोनॉमिकली यूज करते हैं ऑयल के पर्पज से, यानी कि तेल, जो आप तेल, सरसों का तेल आप लेते हो, तो इसलिए किस में आती है, ऑयल सीड में आती है क्रॉप, किस में आती है, ऑयल सीड क्रॉप में आती है। तो यहाँ पे हमें ऑयल कंटेंट तो पढ़ना पड़ेगा। अब आपको अगर मैंने, अगर आपने पहले लेक्चर देखे होंगे तो वहां पे जनरल एग्रीकल्चर में आपको बताया था कि जो मस्टर्ड है उसमें ऑयल कितना प्रेजेंट होता है, 33 to 39% है, एक बार रीचेक कर लेना। ठीक है, डाटा मुझे अभी याद आ रहा है कि 33 to 39% वहाँ पे क्या है, ऑयल हमने बताया था आपको, जो ऑप्टिमम हमने बताया था। लेकिन अगर आपसे पूछ जाए, स्पेसिफिकली पूछ जाए किसका, इंडियन का, यानी कि इंडियन मस्टर्ड का पूछ जाए, यानी कि ब्रासिका जूंसिया का पूछ जाए, तो वहाँ पे ऑयल कंटेंट कितना होगा, 35 to 38% होगा, ऑथेंटिक, ऑथेंटिक डाटा से लिया गया ये डाटा। ठीक है, और किसी भी बुक्स के ऊपर भरोसा ना करें, आपको ऊपर नीचे इसका मिलेगा, इस जगह आपको 38 से मिलेगा, 50 तक मिलेगा। ठीक है, उस पर भरोसा ना करें, 35 to 38% क्या है आपका ऑयल है प्रेजेंट, किसमें, इंडियन मस्टर्ड में, ब्रासिका जूंसिया में। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल परसेंटेज आपको याद करनी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन इसे पूछे गए हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट बात करें, सेकंड जो क्लासिफिकेशन है, जैसे फर्स्ट टाइप हम पढ़ रहे हैं राय के बारे में, राय की फिर से तीन स्पीसीज है और उसमें हमने पहली स्पीसीज पढ़ ली। अब हम सेकेंड स्पीसीज पे आते हैं, किस पे आते हैं, सेकेंड स्पीसीज पे आते हैं। अगर सेकेंड स्पीसीज की बात करें, सेकेंड की बात करें, तो यहां पे सेकेंड जो आपकी स्पीसीज है वो है, उसको हम बोलते हैं बनारसी राय, बनारसी। ठीक है, पहले हमने इंडियन मस्टर्ड पढ़ लिया, अब कौन सा, बनारसी राय, बी एन ए आर ए एस एच आई, बनारसी राय। ठीक है, अगर बनारसी राय की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा, इसका साइंटिफिक नेम, बोटेनिकल नेम पे आते हैं, इसको लिख लो बनारसी राय। ठीक है, सेकंड जो कैटेगरी है इसकी क्या है, बनारसी राय है। अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करें तो वही है आपका ब्रासिका जीनस होगा। ठीक है, स्पीसीज क्या होगी, नाइग्रा, एन आई जी आर ए ब्रासिका नाइग्रा। ठीक है, नाइग्रा इज द स्पीसीज ऑफ मस्टर्ड, कौन सी, बनारसी राय, कौन सी, बनारसी राय, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्रासिका निग्रा। देखो ये डाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नीमरा सुंडा की बुक में नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, कहीं भी बुक से उठा के देख लेना, नहीं मिलेगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बारह पछतावा होता है स्टूडेंट्स को। ब्रासिका निग्रा,
वही हम बात करते हैं जो ब्रासिका निग्रा है, इसका हम यूज जो करते हैं, इसका मसालों में यूज करते हैं, मसालों में डाला जाता है इसको, ठीक है। जो स्पीसीज है किसकी, मस्टर्ड की, मसालों में यूज करते हैं इसको, ब्रासिका निग्रा। अगर हम इसकी बात करें, ऑयल कंटेंट की बात कर लेते हैं, किसकी बात करते हैं, ऑयल कंटेंट। देखो हम ऑयल सीड क्रॉप पढ़ रहे हैं तो हमें ऑयल के बारे में जानना पड़ेगा, कितना ऑयल इसमें प्रेजेंट होगा। तो अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, हम बनारसी राय की बात करें, ब्रासिका निग्रा की बात करें, तो 29 to 30% क्या होगा इसमें ऑयल प्रेजेंट होगा। कितना होगा, 29 से लेके 30% तक क्या होगा ऑयल प्रेजेंट होगा। किसमें प्रेजेंट होगा आपका, बनारसी राय में, ब्रासिका निगरा में। ब्रासिका निगरा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए इसको लिख लें। अगर हम इसकी थर्ड कैटेगरी की बात करें, तीसरी कैटेगरी की बात करें, वो है माउंटेन मस्टर्ड। माउंटेन नाम से पता लग रहा है, ठीक है, माउंटेन पहाड़ी, माउंटेन मस्टर्ड, यानी कि जो ऊपर नीचे हिली एरियाज होते हैं वहां पे ये लगाया जाता है, हिली एरियाज में इसको लगाते हैं माउंटेन मस्टर्ड को। यही हम इसकी साइंटिफिक नेम की बात कर लेते हैं, हम बोटेनिकल नेम की बात कर लेते हैं, तो क्या होगा, सेम एज इट इज ब्रासिका, वही जीनस होगा। स्पीसीज की बात करें, ठीक है, रुगोसा, RUGOSA, रुगोसा, ब्रासिका रुगोसा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ माउंटेन मस्टर्ड, ठीक है। ये जो कैटेगरी है किसकी, राय की कैटेगरी है, किसी कैटेगरी, राय की क्लासिफिकेशन है ये, ठीक है। ब्रासिका रुगोसा, ब्रासिका रुगोसा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां तक क्लियर आप सभी को? देखिए हमने फर्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ ली, कौन सी, फर्स्ट क्लासिफिकेशन, उसके अंदर हमने 3 स्पीसीज पढ़ी, ठीक है, उन्हें क्लियर कर ली। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन की, वो है हमारी रेपसीड। कौन सी है, रेपसीड, ठीक है। रेपसीड की बात करें तो आप यहां पर याद रखना है, इसको हम बोलते हैं सेकेंड क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, रेपसीड लिख लो इसको, रेपसीड। इस क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसको हम बोलते हैं येलो सरसों के नाम से जानते हैं इसको, किसके नाम से, रेपसीड लिख लिया सबने, मैं यहां पे मिटा रहा हूं, ठीक है, रेपसीड लिख लिया। देखो येलो सरसों, येलो सरसों, SARSON, सरसों, SARSON इज द स्पेलिंग ऑफ सरसों, येलो सरसों के नाम से इसको जानते हैं, रेपसीड येलो सरसों, ठीक है। ये आपकी सेकेंड क्लासिफिकेशन है, ठीक है। वही हम थर्ड क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं, थर्ड कौन सी है, तीसरी बात करें, वह है रेपसीड ब्राउन सरसों, लिख लो इसको, रेपसीड। अभी देखो आपका डाउट होगा कि मैंने साइंटिफिक नहीं बताया, स्पीसीज नहीं बताई, ठीक है, नहीं बताया, क्यों नहीं बताई, अभी रीजन बताऊंगा। रेपसीड ब्राउन सरसों, घबराना नहीं, हर एक चीज बताई जाएगी, ठीक है। आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ चीज बताई नहीं जाएगी, हर एक चीज यहाँ पे डिस्कस की जाएगी, ठीक है। ब्राउन सरसों, रेपसीड ब्राउन सरसों होगी तीन कैटेगरी। अब आते हैं साइंटिफिक नेम पे, हमने सेकंड कैटेगरी पढ़ी, कौन सी पढ़ी, हमने क्लासिफिकेशन कौन सी पढ़ी, येलो सरसों, थर्ड कौन सी पढ़ी, ब्राउन सरसों, येलो एंड ब्राउन पढ़ी, दोनों पढ़ी। देख लो हम यहाँ पे बोटेनिकल नेम की बात करें तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, जो येलो सरसों है, ब्राउन सरसों है, ये दोनों का जो बोटेनिकल नेम है एक ही है, क्या है, एक ही है। पूछा गया है पहले क्वेश्चन, क्या है, एक ही है, वो क्या है बोटेनिकल नेम, ब्रासिका, ब्रासिका वैसे ही आएगा जीनस आपका, ठीक है। स्पेलिंग लिख लो, COMPRASTIES, कंप्रेस्टिस, ब्रासिका कंप्रेस्टिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ येलो सरसों एंड ब्राउन सरसों, ठीक है। ब्रासिका कंप्रेस्टिस लिख लो इसको, COMPRASTIES, ब्रासिका कंप्रेस्टिस, कंप्रेस्टिस इज द स्पीसीज ऑफ येलो एंड ब्राउन सरसों, कंप्रेस्टिस इज द स्पीसीज ऑफ येलो एंड ब्राउन सरसों, इज इट क्लियर, यस सर नो, वेरी गुड सुबी चौधरी, वेरी गुड, क्लियर है। अब यहां पे बात करते हैं, हमने पढ़ा येलो एंड ब्राउन सरसों के बारे में पढ़ा, देखो इसमें ऑयल कंटेंट के बारे में जानना पड़ेगा कि ऑयल कितना इसमें प्रेजेंट होगा। देखो यहां पे भी ऑयल कितना होगा, 43 to 45% यहां पे ऑयल प्रेजेंट होता है, कितना होता है, 43 से 45%, ठीक है, 43 to 45% यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, वो क्या होगा यहाँ पे आपका प्रेजेंट होगा ऑयल, किसमें, येलो एंड ब्राउन सरसों, यानी कि ब्रेसिका कंप्रेस्टिस में, ब्रेसिका कंप्रेस्टिस में, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा गया है, इसकी वरायटी भी आगे देखी गई है, पूसा कल्याणी वगैरह, हम वरायटी पे बाद में आएंगे, वरायटी हम बाद में आएंगे, ठीक है, जो भी वरायटीज रहेंगी वो हम बाद में आएंगे, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है, क्लियर है। देखो हमने सबसे पहले हमने बोटेनिकल नेम के बारे में जान लिया, क्लासिफिकेशन के बारे में इसकी जान लिया, अब बात आती है किसकी बात आती है, यहाँ पे थोड़ी सी हम इसकी बायोलॉजी के बारे में जान लेते हैं। अब बायोलॉजी की बात करें तो इसमें बायोलॉजी में क्या जानेंगे भाई, क्या जानेंगे, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, किसकी बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले इसके फ्रूट की, टाइप की, टाइप ऑफ फ्रूट, टाइप ऑफ
ठीक है, टाइप ऑफ फ्रूट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, टाइप ऑफ फ्रूट की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो फ्रूट है उसको क्या कहा जाता है, सरसों के फ्रूट को क्या कहते हैं, सिलिक्वा, लिख लो इसको। ये क्वेश्चन देखो पहले पूछा गया है, एएफओ में पहले पूछा गया है, और इससे पहले आईसीआरपीजी में पूछा गया है, और यूजी में ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, क्या कहते हैं, सिलिक्वा कहते हैं, क्या कहते हैं, सिलिक्वा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लो स्पेलिंग, SILIQUA। हाँ, आयन घोषी सिलिक्वा, SILIQUA, SILIQUA। देखो यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा ढंग से क्योंकि मैं उंगली से ही लिख रहा हूँ, ठीक है, पेन से नहीं लिख रहा हूँ, उंगली से लिख रहा हूँ, ठीक है, सिलिक्वा है, ठीक है, क्या है, सिलिक्वा। अब बात आते हैं हम किसकी बात करें, इनफ्लोरेसेंस की बात कर लेते हैं। इनफ्लोरेसेंस आपको सभी क्रॉप की याद रखनी है, ठीक है, इनफ्लोरेसेंस क्वेश्चन एक ना एक आएगा ही आपका। देखो कब की बायोलॉजी क्लास होने वाली है जिसमें मिनरल न्यूट्रिशन डिस्कस किए जाएंगे, सॉरी वो डिस्कस हो चुके हैं कल आपके प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स, जहां से आईसीआर में एग्रीकल्चर से भी क्वेश्चन आता है, और आज डिस्कस रोहित सर ने कर दिया आपका मिनरल न्यूट्रिशन, जहां से आईसीआर में क्वेश्चन पूछ जाता है एग्रीकल्चर से भी, ठीक है, सेम टॉपिक है दोनों जगह, बायोलॉजी एंड एग्रीकल्चर, तो उसको पढ़ लें, ठीक है, ऐसा ना करें पीजी वाले ही पढ़ लें उसको, क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ठीक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, मिनरल न्यूट्रिशन, प्लांट फिजियोलॉजी आपकी चली हुई है, पूरी की पूरी प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ लेना रोहित सर से, पूरी प्लांट फिजियोलॉजी उसको मत छोड़िए, मैं प्लांट फिजियोलॉजी बिल्कुल भी एग्रीकल्चर में नहीं कराऊंगा, ठीक है, जो सेल वाले चैप्टर है वो नहीं कराऊंगा, यहाँ पे आपके सिलेबस में है आईसीआर यूजी आईसीआरपीजी दोनों के सिलेबस में सेल है, सेल डिवीजन है, सेल साइकिल है, ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी पूरी पूरी है, जेनेटिक्स आपकी है वो मैं नहीं कराऊंगा, जेनेटिक्स कवर हो चुकी है इसलिए उन क्लासेस को देख लें, इकोलॉजी इन्वायरमेंट में नहीं करवाऊंगा, वो बायोलॉजी में सेम है, वही सिलेबस यहाँ पे भी है, सेम चीजें वही है, कुछ भी चेंजिंग नहीं है, ठीक है, वहां से पढ़ना है आपको, वो बायोलॉजी क्लास से पढ़ना है, सेम टॉपिक्स हैं, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन सेम आ जाते हैं बायो और एग्रीकल्चर से, सेम क्वेश्चन क्लिक होते हैं आईसीआर में, तो इसलिए इनको पढ़ते जाएं। अगर इनफ्लोरेसेंस की बात करें, जल्दी से मुझे जल्दी बताओ इसकी इनफ्लोरेसेंस, जल्दी से किसी को बताओ यहाँ पे, यस यस, जल्दी से बताओ, ऑप्शन में देता हूं आपको, ऑप्शन नंबर है 1 पेनिकल, ऑप्शन नंबर 2 रेसीम, ऑप्शन नंबर 3 मैं आपको देता हूं यहां पे स्पाइक, नन ऑफ दोज, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दोज, जल्दी बताओ 4 में से कौन सी ऑप्शन है, इसकी इन्फोसिस क्या होगी। आयन घोष जी ने आंसर दे दिया है रेसीम, वेरी गुड आयन घोष जी, क्या होगी इन्फोसिस की, क्या होगी रेसीम होगी, क्या होगी रेसीम, ठीक है, यानी कि जो इसका क्या है, जिसका फ्लावर है, ठीक है, इसके फ्लावर को क्या बोलते हैं, रसीम बोलते हैं, RACEME, रसीम, क्या बोलते हैं, रसीम, रसीम, रसीम बोलते हैं, ठीक है। देखो सुबह आपकी जो क्लास होगी, सुबह बायोलॉजी क्लास फिर से आपकी होगी, ठीक है, याद रखना सुबह जो क्लास आपकी होने वाली है बायोलॉजी की, वो आपकी 8:30 पे होने वाली है, ठीक है, 8:30 पे सुबह क्लास होगी, दिन को भी क्लास में उसकी टाइमिंग नहीं है, वो मैं आपको ग्रुप में बता दूंगा, ठीक है, जब मुझे समय मिलेगा, और रात को आपकी फिर से क्लास होगी, कल रात को आपकी 9 बजे क्लास होनी है, ठीक है, टाइमिंग मैंने पहले डाल दिया है, ऊपर नीचे टाइमिंग हो सकती है, ठीक है, इसका स्पेसिफिक नहीं होता है, तो सुबह 8:30 पे आपने रेडी रहना क्लास के लिए, 8:30 क्लास के लिए, ठीक है, क्लियर है, यस। नेक्स्ट हम बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, टेस्ट बेट की बात करेंगे। देखो हमने एक सीड इंडेक्स इंडेक्स के बारे में पढ़ लिया था, लेकिन यहाँ पे हम क्या लेते हैं, टेक्स टेस्ट बेट लेते हैं, क्यों लेते हैं, क्योंकि जो हमारे स्मॉल ग्रेन्स होते हैं उनका हम क्या लेते हैं, टेस्ट बेट लेते हैं। अगर हमने पहले लेक्चर अगर आपने लगाए होंगे तो मैंने टेस्ट बेट के बारे में आपको बताया था, टेस्ट बेट के बारे में बताया था कि ये हम क्या लेते हैं, 1000 ग्रेन का बेट लेते हैं, 1000 ग्रेन का बेट लेंगे, ठीक है, कितने का लेंगे, 1000 ग्रेन का क्या लेंगे, बेट लेंगे, यानी कि अगर बात करें हम इसकी बात करें, किसकी बात करें, मस्टर्ड की बात करें, अगर हम क्या करते हैं 1000 ग्रेन्स को क्या करते हैं, वजन करते हैं उनका, तोलते हैं उनको, वेट करते हैं उनका, तो कितना ग्राम आएगा, यहाँ पे ग्राम पे आएगा 3 to 4 ग्राम, कितना आएगा 3 to 4 ग्राम पर 1000 ग्रेन्स, क्या होगा, टेस्ट वेट होगा इसका, ये क्वेश्चन पहले पूछा भी गया है, ठीक है, पूछा गया है 3 to 4 ग्राम क्या होगा, 1000 पर 1000 ग्रेन्स का ये टेस्ट वेट होगा, ठीक है, किसका, मस्टर्ड का, 3 से 4 ग्राम होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ये क्वेश्चन क्या पूछा, जंगली सरसों जो होता है आपका, होता है जंगली सरसों जो आपका होता है, उसका जो तो टेस्ट वेट होता है कितना होता है, वो आपका 190 यहाँ पे मिलीग्राम में होता है, किस में होता है, मिलीग्राम पर 1000 ग्रेन्स,
पर 1000 ग्रेन्स। ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है, ठीक है, 190 मिलीग्राम पर 1000 ग्रेन्स किसमें होते हैं आपके, टेस्ट वेट होता है जंगली सरसों का, किसका होता है, जंगली सरसों का होता है, ठीक है, जंगली सरसों का होता है, ठीक है, जंगली सरसों का। देखो बुक्स के ऊपर अलग से वीडियोस आपको आएंगी, बाकी मेरे नोट्स यहाँ पे आपको पढ़ने हैं, बाकी कहीं नहीं जाना आपको, ठीक है, बुक्स लेने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे नोट्स पढ़ रहे हो बेटा तो बुक्सों की आपको जरूरत ही नहीं लेने की है, ठीक है, बुक्स से आपको लेनी नहीं है, बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी फॉलो करो, बाकी हमारे नोट्स ले लो, रोहित सर आपको नोट्स तो प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको पढ़ लो, क्योंकि अब टाइम आपके पास बहुत ही कम बचा है, 15-20 दिन बचे हैं आपके पास, ठीक है, 15-20 दिन बचे हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं, हमने क्या कर लिया, हमने इसकी बॉटनी के बारे में पढ़ लिया, हम बात करेंगे इसकी क्लाइमेट की बात कर लेते हैं, किसकी बात करेंगे, क्लाइमेट की बात करेंगे, ठीक है। अगर हम क्लाइमेट की बात करें इसकी, यानी कि जलवायु कैसी चाहिए इसके लिए, मस्टर्ड के लिए, तो यहाँ पे देखो अगर जलवायु की बात करें तो कोल्ड क्लाइमेट की जरूरत होगी, किसकी, कोल्ड क्लाइमेट, ठीक है, रिक्वायरमेंट किसकी होगी, कोल्ड क्लाइमेट, ठीक है, कोल्ड क्लाइमेट। अगर कोल्ड की बात करें तो कैसा होगा, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल में इसकी खेती होती है, कहाँ पे होती है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन पे होती है, जोन पे होती है, ठीक है, ट्रॉपिकल पे होगी, सब ट्रॉपिकल जोन पे इसकी क्या होगी, आपकी कल्टीवेशन होगी। देखो अब क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, हमें टेम्परेचर के बारे में जानना पड़ेगा, किसके बारे में जानना पड़ेगा, टेम्परेचर के बारे में जानना पड़ेगा, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए इसकी ग्रोथ के लिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो लिख लो इसको, इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें, यानी कि शोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक अगर बात करें तो कितना होना चाहिए आपका, 8 से लेके 25 डिग्री सेल्सियस तक, क्या ऑप्टिमम टेम्परेचर है, कई बुक्स में ऊपर नीचे मिलेगा, तो आपको याद रखना है, ऑप्टिमम टेम्परेचर पूछ जाए तो 8 to 25 डिग्री सेल्सियस तक क्या है आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ठीक है, किसको कल्टीवेट करने का, हाँ 8 to 25 है, ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ठीक है। अब एक आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है, पहले पूछा भी गया है, ठीक है, जो मोस्ट ससेप्टिबल टू फ्रॉस्ट, यानी कि फ्रॉस्ट की बात करें तो देखो ये जो क्रॉप है, जो मस्टर्ड है, अगर फ्रॉस्ट कंडीशनों पाला हो तो पाले में क्या है, ये प्लांट आपका ग्रो ही नहीं हो पाएगा, पाले में, किसमें, पाले में ये ग्रो नहीं हो पाता है, कौन सा मस्टर्ड आपका, क्योंकि ये क्या है, मोस्ट ससेप्टिबल टू फ्रॉस्ट के लिए ससेप्टिबल है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें अप्लाई यूज करना पड़ेगा, इसमें अप्लाई करना पड़ेगा H2SO4, ठीक है। अगर हम H2SO4 की बात करें, हम कितना अप्लाई करेंगे इसके लिए, 0.1% यूज करेंगे इसका, कितना करेंगे, 0.1% यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, H2SO4 का, क्यों यूज करें, क्योंकि ये क्या है आपका ससेप्टिबल है, किसके लिए, फ्रॉस्ट कंडीशन के लिए, तो वहां पे हमें उससे बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, H2SO4 यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, कितना अप्लाई करना पड़ेगा, 0.1% करना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले पूछा गया एग्जामिनेशन में, देखो डाटा इतना ज्यादा डाटा है, ठीक है, इतना ज्यादा डाटा है, अब ऐसा नहीं है आप क्लास लगा लो फिर जय श्री राम हो गया एग्जामिनेशन देने चले गए, ठीक है, कि सर ने हमें पढ़ा लिया है अब हो जाएगा, और वहां पे जाते खिचड़ी दिमाग में पक जाएगी, इतनी क्रॉप है खिचड़ी पकी होगी कि सीड रेट किसका ज्यादा किसका कम था, क्योंकि आज मैं एक्चुअली मैं क्विज दे के आया हूँ कॉलेज में, ठीक है, क्विज दे के आया हूँ, तो पोटैटो डे का था, उस दिन तो बारिश बहुत ज़्यादा हुई, तो वो पोस्टपोन आज के लिए हुआ था, तो क्विज में सीड रेट पूछ लिया था, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया सीड रेट में बहुत ज़्यादा, कि सीड रेट पोटैटो का पूछा तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया बहुत ज़्यादा कि सीड रेट क्या था, ठीक है, क्योंकि इतना डाटा दिमाग में होता है, चीज़ें याद ही रहती है, ठीक है, इसलिए क्या इसका एक तरीका है कि बार बार रिविजन करो इसका, और दूसरी बात यह है कि आप शॉर्ट में यहाँ पे चार्ट बना लो, चार्ट आपको बनाने पड़ेंगे, जो एग्रीकल्चर स्टडी कर रहा है, जिसने एग्जामिनेशन एग्रीकल्चर से निकालना है, तो उसको चार्ट बनाने पड़ेंगे, एग्रीकल्चर के स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, आप चार्ट प्रिपेयर कर लें, या फिर मैं आपको चार्ट 2 या 3 दिन में, जैसे हमारी क्रॉप एग्रोनॉमी खत्म होती है उसके 2-3 दिन बाद आपको चार्ट पूरा पूरा यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, चार्ट आपको मिल जाएगा, जिससे आपको आसानी होगी, वहाँ पे चार्ट में हर एक जितनी भी क्रॉप्स हैं उसका सीड रेट कितना होता है वो सारे सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है, वो आपको स्टडी करने ही करने हैं, क्योंकि ऐसे आपको याद नहीं होने वाला है, अगर आप सोच रहे हो कि एक बार क्लास लगा ली फिर उसके बाद हो गया बस पेपर देने चले गए, उससे नहीं होगा, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास लगाने के बाद बार बार रिविजन करना पड़ेगा, अगर आप चीज़ों को बार बार पढ़ोगे तभी आपको याद रहेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रोटीन कंटेंट कितना होता है, ऑयल कंटेंट कितना प्रेजेंट है, साइंटिफिक नेम क्या है, कौन C3 प्लांट है, कौन आपका C4 प्लांट है, वो सारी चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी। देखो सॉइल की किसका आपका एसिडिक सॉइल किसकी है, किसका एल्कलाइन है, पीएच कितना है सॉइल का, ये सारी चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी, कौन सी सॉइल आपके लिए क्या है,
इसकी कल्टीवेशन के लिए आपके सूटेबल है वो आपको याद करनी पड़ेगी, किसके लिए सैंडी लोई में है, किसके लिए लोमी, किसके लिए एल्यूवियल सॉयल है, वो सारी चीज़ें आपको याद करने में डाटा बहुत ज़्यादा है इसमें। हम बात करते हैं सॉयल की, बात कर लेते हैं कि हमें सॉयल कैसी चाहिए, कैसी सॉयल सूटेबल है इसकी कल्टीवेशन के लिए। ठीक है, बिल्कुल जी, हम आपको सेंड करेंगे, पढ़ना आपका काम है, सेंड करना हमारा काम है, वो सारी चीज़ आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर हम सॉयल की बात करें तो कौन सी सॉयल चाहिए, सैंडी लोमी सॉयल, कौन सी, सैंडी लोमी, लोमी SNDY सैंडी लोमी सॉयल सूटेबल इसकी कल्टीवेशन के लिए। ठीक है, सैंडी लोमी सॉयल, क्योंकि ये क्या है, इसकी ड्राइनेस जो है गुड ड्राइनेस कैपेसिटी है सैंडी लोमी सॉयल की। ठीक है, अगर हम पीएच की बात कर लेते हैं, किसकी बात करते हैं, पीएच की बात करते हैं, अगर सॉयल पीएच की बात करें तो यहाँ पे आपका सूटेबल पीएच की तरह है 7 to 7.5 पीएच है, ये आपको याद रखना है 7 to 7.5 पीएच इसके लिए क्या है आपका सूटेबल है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम ओरिजिन पे आ जाते हैं, किस पे आते हैं, ओरिजिन पे आते हैं कि ओरिजिन क्या है इसका। ठीक है, ओरिजिन क्या है इसका, तो देखो ओरिजिन पे कंफ्यूजन है। ठीक है, मस्टर्ड का ओरिजिन अगर आप देखें, आप एक बुक देखोगे ओरिजिन अलग मिलेगा, दूसरी बुक पे जाओगे ओरिजिन अलग मिलेगा, तीसरी पे जाओगे ओरिजिन अलग मिलेगा, गूगल पे छान मारोगे तो बिल्कुल ही गलत मिलेगा आपको, कोई भी स्पेसिफिक डाटा नहीं है। ठीक है, ओरिजिन की बात अगर खास कर करें, क्वेश्चन यहाँ से पूछा भी जाता है ओरिजिन का मस्टर्ड से, क्योंकि कन्फ्यूजिंग आपका मस्टर्ड है। ठीक है, इसके ओरिजिन की बात करें, आपको याद रखना है साउथ वेस्ट एशिया, क्या है साउथ वेस्ट एशिया, लिख लो इसको साउथ वेस्ट एशिया, साउथ वेस्ट एशिया क्या इसका ओरिजिन है। सेंटर ऑफ ओरिजिन के ऊपर अलग से मैं क्लास दूंगा। ठीक है, सेंटर ऑफ ओरिजिन के ऊपर 7 सेंटर ऑफ ओरिजिन है आपके, वो मैं अलग से क्लास लूंगा, उसकी बहुत लंबी क्लास है, बट वो क्लास आपको नेक्स्ट कोर्स के बाद मिलेगी, क्योंकि अभी हम वो करवा नहीं सकते इतनी ज़्यादा, उसमें जाएंगे इतना डिटेल में जाएंगे तो आपका कोर्स कंप्लीट ही नहीं होगा। ठीक है, सेंटर ऑफ ओरिजिन के ऊपर हम आपको अलग से वीडियो मिलेगी, आगे जाके मिलेगी, बट यहाँ पे नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपको सिर्फ रट्टा मारना है कि सेंटर ऑफ ओरिजिन है क्या। ठीक है, डिटेल हम आगे जानेंगे। ठीक है, साउथ वेस्ट एशिया क्या है, साउथ वेस्ट एशिया क्या इसका ओरिजिन है। देखो यहाँ पे भी क्या है आपका, यहाँ पे भी कन्फ्यूजन है, क्या कन्फ्यूजन है, कई बार क्या होता है आपको नहीं मिलता है किसमें ऑप्शन पे, साउथ वेस्ट एशिया नहीं मिलता है, तो क्या करोगे उस कंडीशन में, क्या करेंगे उस कंडीशन में आप, तो वहां पे देखो आपको याद रखना इसका, याद क्या रखोगे आप वहां पे कि इसका जो ओरिजिन आपका चाइना एंड इंडिया, चाइना एंड इंडिया भी है। ठीक है, कई बुक्स में मिलेगा आपको चाइना एंड इंडिया, अगर साउथ वेस्ट एशिया वहां पे नहीं होगा तो चाइना और इंडिया अगर होगा वहां पे टिक कराना। ठीक है, चाइना और इंडिया, ये मैंने पहले ही बताया कंडीशन आपको। देखिए अब आपका क्वेश्चन ये भी होगा यहाँ पे, अगर तीनों ही ऑप्शन पे होगे चाइना इंडिया और साउथ वेस्ट एशिया होगा तो क्या करोगे, कंफ्यूजन, तो क्या करोगे। देखो आज जितने भी एग्जामिनेशन हुए आपके तो तीनों ऑप्शन कहीं पे नहीं पूछे गए हैं, ऑप्शन आएगा या फिर साउथ वेस्ट एशिया दिया होगा। ठीक है, रेयर चांस होते हैं ऑप्शन पे आपके चाइना और इंडिया के, रेयर चांस होते हैं, अगर चाइना और इंडिया आएगा तो वहां पे आपका साउथ वेस्ट एशिया नहीं दिया होगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है इस बात की, जितने भी एग्जामिनेशन आपके हुए सुपरवाइजर की ले लो, AFO की ले लो आप, ठीक है, या फिर एक्सटेंशन ऑफिसर की ले लो, ठीक है, तो वो ऑल ऑफ अबव बेटा वहां पे नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है, एस्पिरेंट नहीं मिलेगा, ऑल ऑफ अबव नहीं मिलेगा, बहुत कम रेयर चांस में होते हैं दिए हुए। ठीक है, ये आपको याद रखना है, चाइना इंडिया एंड साउथ वेस्ट एशिया, किसके केस में, मस्टर्ड के केस में, क्लियर है, क्लियर, इतना कोई इसमें डाउट्स हो, कोई भी कंफ्यूजन हो आपका, यू कैन आस्क मी योर डाउट्स इन लाइव चैट। देखो अब आपने देखा होगा सरसों के तेल के बारे में, थोड़ा सा सोचो, दिमाग में लाओ सरसों के तेल के बारे में। ठीक है, सरसों के तेल के बारे में सोचो, जो सरसों का तेल होता है कैसे कलर का होता है, येलो कलर का, आप देखो पीले कलर का। ठीक है, आमला देखते हो कैसा होता है, रेड कलर का होता है वो। ठीक है, रेड का होता है आपका, आई थिंक दूसरा येलो भी होता है। ठीक है, तो अगर हम मेनली हम सरसों की बात कर रहे हैं अब यहाँ पे, अगर सरसों की बात करें तो सरसों आपका कैसा होता है, येलो कलर का होता है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, जो मस्टर्ड का येलो कलर है वो किस वजह से होता है, क्या वजह होगी उसका येलो कलर की। ठीक है, तो वहां पर के एक क्या प्रेजेंट होता है, एल्कलॉइड, क्या होता है, एल्कलॉइड प्रेजेंट होता है, कौन सा एल्कलॉइड होता है। ठीक है, सरसों में आपका मस्टर्ड में आपका एल्कलॉइड प्रेजेंट होता है, और कौन सा एल्कलॉइड यहां पर प्रेजेंट होगा आपका, कौन सा होगा, तो कैरेटिनॉइड, लिख लो इसको कैरेटिनॉइड, CARO TINOIDE, कैरेटिनॉइड एल्कोइड आपका प्रेजेंट होता है किसमें, सरसों में, मस्टर्ड में, जिसकी वजह से क्या होता है इसका कलर क्या होता है, येलो होता है, पीला कलर होता है, मस्टर्ड ऑयल का क्या होता है, पीला कलर। ठीक है, क्या एल्कोइड का प्रेजेंट होगा, किसका नाम क्या है,
कैरेटिनॉइड है। क्या है? कैरेटिनॉइड, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुबी, सुबी जी कह रहे हैं, सुबी, सुरभि, सुबी, क्या सुबी नाम है आपका? सुबी, सुबी, यस सुबी। एक बुक में सीड जर्मिनेशन के बारे में लिखा था कि सीड जर्मिनेशन के लिए हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। देखो मैंने आपको ऑप्टिमम बता दिया, 8 से लेके 25 डिग्री तक, ठीक है, 8 to 25 डिग्री। आपसे हमेशा पूछ जाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर बस तक, क्योंकि एग्जामिनर आपके लेवल को देखता है, ठीक है, आपका आईसीआर का है, ठीक है, एग्जामिनेशन है, तो उतना हार्ड लेवल नहीं आएगा आपका। देखिए अगर आपसे पूछा जाएगा तो ऑप्टिमम के ऊपर आपको ध्यान रखना देना है। किस पे ऑप्टिमम? ऑप्टिमम का मतलब होता है शोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक। देखो अब शोइंग से हार्वेस्टिंग तक क्या होता है? देखो जैसे आप बीट की शोइंग करते हो, किस सीजन में करते हो आप? सर्दियों में करते हो। बीज कब डालोगे? सर्दियों में। टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। अब हार्वेस्टिंग कब जाके करोगे आप? मार्च में। टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा होगा। तो टेम्परेचर में बेटा वेरिएशन होती है ऊपर नीचे, टेम्परेचर का ऊपर नीचे चेंज होता रहता है, ठीक है, इसलिए हम ऑप्टिमम टेम्परेचर लेते हैं। 8 मिनिमम है, 25 क्या है? मैक्सिमम है, ठीक है, किसके लिए? मस्टर्ड के लिए। 8 से कम होगा तो कुछ ना कुछ डिजीज हो जाएगी, डिसऑर्डर हो जाएगा। 25 से ऊपर टेम्परेचर जाएगा, कुछ ना कुछ डिसऑर्डर प्लांट में होगा, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ऑप्टिमम आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है, बाकी जो मेन मेन आपको चीजें वो भी आपको याद करके रखनी है, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ ऑप्टिमम पे ज्यादा फोकस करें। चलिए अब देखो, आप देखते हो अगर आपने मतलब सरसों का तेल लगाया होगा तो उसमें कुछ गंध जैसी आती है आपकी, तीबर गंध, एकदम से तीबर गंध आती है उसमें। वो किस वजह से आती है? किस वजह से आती है तीबर गंध सरसों के तेल में, मस्टर्ड की? वो आपकी आती है, लिख लो इसको, आइसोथायोसाइनेट। आइसोथायोसाइनेट मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा गया पहले, आइसोथायोसाइनेट, ISO TH IOCYNATE, आइसोथायोसाइनेट। देखो आप YouTube में छान के देखना, YouTube में कहीं पे छान के देखना, आपको नहीं मिलेगा लेक्चर, पूरी नॉलेज आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर किस चीज की नॉलेज जाननी हो, किस चीज के बारे में जानना हो, तो पूरा डेप्थ तक जाओ, ठीक है, नॉलेज गेन कर इस तरह से करो कि आप स्टक कहीं पे ना हो, ठीक है, हर एक तरह से आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, आधी अधूरी नॉलेज हमेशा खाने आती है, तो इसलिए पूरी अगर नॉलेज रखनी पूरी रखो, अगर नॉलेज नहीं रखनी तो कुछ भी मत रखो उसकी, ठीक है। तो देखो तीबर आपकी गंध आती है किस वजह से आती है? आइसोथायोसाइनेट की वजह से। किसकी वजह से? आइसोथायोसाइनेट की वजह से। हाँ आंखों में भी लगता है, लगाते हो ना आंखों में, थोड़ा लग जाता है, ठीक है, मुंह पे भी थोड़ा आपको क्या आती है, किसकी वजह से आती हो? आइसोथायोसाइनेट। तो मुंह पे तो कहीं लगाते भी नहीं है, ठीक है, आइसोथायोसाइनेट की वजह से, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका, ठीक है। अब देखो अगर बात करें हम किसकी, हार्ट पेशेंट की बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा बायोलॉजी में आते हैं, किसमें? हार्ट पेशेंट की बात कर लेते हैं, दिल का मरीज है, ठीक है। देखो दिल के मरीज को हम क्या करते हैं, मस्टर्ड का ऑयल नहीं देते हैं, किसका? सरसों का तेल नहीं देते। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है, यूरेसिक एसिड होता है। क्या होता है? यूरेसिक, क्या होता है? URUSIC, यूरेसिक एसिड प्रेजेंट होता है, जो कि हार्ट पेशेंट को देना ही नहीं चाहिए, तो इसलिए हम हार्ट पेशेंट को इसको प्रेफर नहीं करते हैं, ठीक है, ठीक है, हार्ट पेशेंट को इसको हम प्रेफर नहीं करते हैं, हार्ट पेशेंट को। वही हम बात करें किसकी, गोइटर की बात करते हैं, किसकी? गोइटर की बात करते हैं, ठीक है, बायोलॉजी में पढ़ा होगा आपने गोइटर के बारे में, ठीक है। गोइटर की बात करें तो इसमें जो मस्टर्ड है, ठीक है, मस्टर्ड में क्या होता है आपका, ग्लूको स्पेलिंग लिख लो पहले, स्पेलिंग पहले मैं लिखाता हूँ क्योंकि मेरे से प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो जाती है कई बार, क्योंकि वर्ड ऐसे हैं। मैंने स्पेलिंग क्या लिखी यहाँ पे, GLUSOEINULAT, ठीक है, ग्लूकोसोइनुलेट, ठीक है, क्या है इसमें प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से क्या होता है, इसमें गोइटर आपका हो जाता है। किसमें होता है? मस्टर्ड में प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, गोइटर आपका हो जाता है। अगर बात करें तो अगर आप 0.5% से ज्यादा क्या हो, जो मैंने केमिकल यहां पे बताया, अगर आपका 0.5% से ज्यादा हो जाए तो क्या दिक्कत हो जाएगी, गोइटर हो जाएगा, ठीक है, गोइटर हो जाएगा, क्या दिक्कत होगी भाई? मिथाइल आइसोसाइनेट था वो बोल रहा था, फिर आई थॉट देयर इज नो रिलेशन देयर बॉडी। बेटा जितना कहा जाता है उतना चीज फॉलो करो, ठीक है, बायोलॉजी पे ज्यादा मत घुसो, यहाँ पे बायोलॉजी मत जाओ, ठीक है, बायोलॉजी और एवरेज जितना उतना रिलेट मत करो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप पेड़ पौधों के बारे में ज्यादा पढ़ते हो, वहां पे आप ह्यूमन इंसेक्ट सब चीजें आ जाती है, वहां पे आदमी वगैरह सब कुछ इकट्ठे हैं वहां पे, ठीक है, सारे प्राणी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जीव जंतुओं के बारे में, जो भी आप सजीव होती हैं, ठीक है, उस चीज को रिलेट ज्यादा मत करो यहाँ पे, थोड़ा सा रिलेट करो, उतना ज्यादा रिलेट मत करो। अब देखो एक हमने पहली क्लास आपने लगाई भी होगी, पहली जो क्लास लगाई हमने जनरल एग्रीकल्चर में डिस्कस किया था ड्रॉपसी डिजीज के बारे में, जल्दी से, ठीक है, आर्यन कटोच जी मुझे बताओ ड्रॉपसी के बारे में हमने क्या डिस्कस किया था, जल्दी से आंसर दो मुझे ड्रॉपसी के बारे में, नीचे दो लिख के जल्दी, ड्रॉपसी के बारे में क्या पढ़ा था?
आर्यन कटोच जी जल्दी बताओ, सूबी चौधरी जल्दी बताओ, घोष जी जल्दी बताओ। ड्रॉपसी डिजीज के बारे में पढ़ा था, मस्टर्ड को लेके हमने कुछ पढ़ा था, ठीक है, ड्रॉपसी में, या फिर हमने कुछ बीड के बारे में पढ़ा था वहां पे ड्रॉपसी में, ड्रॉपसी डिजीज, क्योंकि क्वेश्चन देखो ड्रॉपसी डिजीज से पहले पूछा गया है, इसलिए फिर से आपको पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपको मैंने पहले डिस्कस कर लिया हुआ है, वहां से क्वेश्चन आता है और यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। ड्रॉपसी डिजीज, इंटरलिंक हो रही सारी चीजें, इंटरलिंक हो रही आगे पीछे, ड्रॉपसी, यस, वाह वाह, वेरी गुड, पानी जमा हो जाएगा, बहुत अच्छा। और कुछ जो चीज मैंने करवाई तो यहाँ पे जवाब ही नहीं आएगा, ये आपसे पूछा ही जाएगा एग्रीकल्चर में, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग पूछेंगे नहीं आपसे, जो चीज मैंने करवाई है वो चीज पूछ जाएगी। देखो यहाँ पे, देखो बायोलॉजी में नहीं घुसना आपको, ठीक है, ये एग्रीकल्चर है, यहाँ पे कुछ रिलेशन इसका बीड के साथ है, किसके साथ, घास के साथ इसका रिलेशनशिप है ड्रॉपसी का। हमने बात की थी, किसकी बात की थी, सत्यानाशी, किसकी बात की थी, सत्यानाशी, किसकी बात की थी, सत्यानाशी, स्वादतो या नाशी, सत्यानाशी, ठीक है। नाम बड़ा खतरनाक, इसका किसका नाम है सत्यानाशी, किसका नाम है, घास का नाम है ये, बीड का नाम सत्यानाशी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बीड, हम आगे पढ़ने वाले बीड की क्लासिफिकेशन में इसका क्वेश्चन पूछा गया कई बार, सत्यानाशी का, ठीक है। इसके साइंटिफिक नेम की बात करें तो हमने पढ़ा था आरजीमोन मैक्सिमा काना के बारे में, किसके बारे में पढ़ा था, आरजीमोन, आया ना यादव, सुबी को याद आ गया, हाँ सर याद आया, आया ना यादव, आरजीमोन मैक्सिकाना, ARGI, आरजीमोन मैक्सिकाना, इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पे जाके देखना, मैंने पोस्ट डाली हुई इसकी, आरजीमोन मैक्सिकाना, वहां पे आपको इसका फोटो भी दिखाई देगा कैसा होता है, आरजीमोन मैक्सिकाना जो बीड है, ठीक है, आरजीमोन मैक्सिकाना, आरजीमोन इज दी जीनस, स्पीसीज इज दी मैक्सिकाना, ठीक है। साइंटिफिक नेम, बोटेनिकल नेम है किसका, सत्यानाशी का। इसका दूसरा नाम क्या है, पिकली पॉपी बोलते हैं इसको, सॉरी प्रिकली पॉपी, प्रिकली, PRICKLY, प्रिकली पॉपी, प्रिकली पॉपी, ठीक है, प्रिकली पॉपी इसका क्या है नाम, इंग्लिश नेम है प्रिकली पॉपी, कई बार दिया भी होता है, आ गया ना याद, आर्यन कटोच को याद आ गया, PRICKLY, प्रिकली पॉपी इसका क्या है नाम है, आरजीमोन मैक्सिकाना। देखो अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, किस पे आते हैं, मेन मुद्दे पे। अब देखो मस्टर्ड आपने लगा के रखी है, सरसों आप लगा रहे हो, अब उसमें घास भी लगेगा, क्या लगेगा, घास लगेगा, ठीक है, बीड आएंगे उसमें। अब देखो एक बीड आता है, कौन सा बीड आता है, सत्यानाशी बीड उसके साथ लगता है, ठीक है, सेम होता है किसकी तरह, सरसों की तरह, ठीक है। आरजीमोन मैक्सिकाना, उसके जो बीज होते हैं, जो उसके बीज होते हैं, सीड होते हैं, सरसों का देखिए आपने ब्लैक कलर के छोटे छोटे सीड होते हैं, उसके बीज होते हैं सरसों के, वैसे क्या होते हैं, आरजीमोन मैक्सिकाना जो सत्यानाशी होता है उसके सीड भी वैसे सेम होते हैं, क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपके जो बीज हैं, सीड है, ठीक है, जो आपके सरसों के सीड है, ठीक है, मस्टर्ड के सीड है और आरजीमोन मैक्सिकाना के सीड है, वो दोनों आपके इकट्ठे हो जाएं, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा वहां पे उस कंडीशन में, ड्रॉपसी डिजीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ड्रॉपसी डिजीज, ठीक है, क्योंकि ये आपके सेम होते हैं दिखने में, ठीक है, मस्टर्ड के साथ हमेशा आते हैं, ठीक है, तो इसलिए एक डिजीज हो जाती है, कौन सी बीमारी हो जाती है, ड्रॉपसी हो जाती है ह्यूमन में, कौन सी होती है, ड्रॉपसी, ठीक है। अब याद आया, और ये क्वेश्चन बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है, यूजी में आ सकता है, ठीक है, पीजी में तो 100% गारंटी होती है आने की, ठीक है, जो यहाँ पे एग्रोनॉमी से एग्जामिनेशन देना चाहता है, जिसको, जिसने एग्रोनॉमी में MSc करनी है, उसको यहाँ पे याद करना ही करना ही है, आरजीमोन मैक्सिकाना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका AFO का एंड नाबार्ड का, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये आरजीमोन मैक्सिकाना पूछा गया है पहले, क्योंकि अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाते रहोगे तो आपको नॉलेज होती रहेगी कि क्वेश्चन क्या क्या आ रहे हैं, ठीक है, इसलिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आते हैं, सुपरवाइजर हो, एक्सटेंशन ऑफिसर हो, IDO हो, ठीक है, AFO हो, नाबार्ड हो, IFFCO हो, जितने क्वेश्चन आपके हैं देखते जाओ, देखते में क्या जाता है, एक बार पैटर्न पता लगेगा, क्वेश्चन का लेवल पता लगेगा, क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, याद आएगी, ठीक है, कि ये क्वेश्चन वहां पूछा गया है, ठीक है, तो याद आती है उस चीज से, नॉलेज बढ़ती है। अब एक आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे मुझे याद आया, इसी चीज से मुझे याद आया, क्या चीज आया, याद आया, NR, लिख लो इसको, NR, NRCRM, NRCRM के बारे में लिख लो, ठीक है, NRCRM। अब जिसने, जो यहाँ पे पीजी वाला स्टूडेंट है वो जल्दी से मुझे फुल फॉर्म बताओ इसकी चैट बॉक्स में, NRCRM की, NRCRM की, क्योंकि पूछी गई है पहले एग्जाम में, तभी पूछ रहा हूँ मैं आपसे, पीजी वाला तो आराम से इसको बता पाएगा क्योंकि उसने पढ़ा होगा BSc एग्रीकल्चर में NRCRM के बारे में, NRCRM। देखिए अगर हम NRCRM की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, लिख लो इसको, मैं यहाँ पे लिखने वाला नहीं हूँ, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन रेप सीड मस्टर्ड,
वेरी गुड, सुबी चौधरी ने बता दिया। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन रेपसीड मस्टर्ड, वेरी गुड वेरी गुड सुबी जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, आरएन कटोच बता रहे नेशनल, बस वेरी गुड, शुरुआत तो की आपने, ठीक है आगे भी बताना है आपको। ठीक है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन रेपसीड मस्टर्ड, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन रेपसीड मस्टर्ड लिख लिया ना, लिख लिया सभी ने, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ रेपसीड मस्टर्ड लिख लो इसको। अब बात आती है कहाँ पे, ये है कहाँ पे, ये कहाँ पे है, कहाँ पे जल्दी बताओ, कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ पे है सुबी, जल्दी बताओ कहाँ पे है सुबी चौधरी, कहाँ पे है, कहाँ पे है एनआरएम, एनआरसीआरएम, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ रेपसीड मस्टर्ड, वेरी गुड, कहाँ पे, भरतपुर पे, बहुत अच्छा। अब कहीं का डाउट होगा भरतपुर है कहाँ पे, भरतपुर है कहाँ पे, चलिए डायरेक्ट आते हैं हम किसी बात पे, हैं हम स्टेट पे आते हैं, कौन सी स्टेट पे इंडिया में है ये, राजस्थान पे है, कहाँ पे है राजस्थान, कहाँ पे है राजस्थान पे है, ठीक है कहाँ पे है राजस्थान पे है, ठीक है राजस्थान पे आपका है। तो राजस्थान पे एक जगह आती है कौन सी, सावर, सावर आती है, SEVER, ठीक है वहां पे एक स्टेशन आपका आता है भरतपुर आता है, ठीक है वहां पे इसका ये है रिसर्च सेंटर है मस्टर्ड का, रेपसीड का नेशनल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया जो आपका राजस्थान जेट होता है ना, राजस्थान जेट, ठीक है आरजे जेट आपका एग्जामिनेशन होता है, वहां से क्वेश्चन कई बार पूछा गया UGPG में, जेट में राजस्थान, और राजस्थान में सुपरवाइजर का पेपर तो उसमें आया है पहले ही है, ठीक है सुपरवाइजर राजस्थान का जो पेपर होता है, क्योंकि जो सुपरवाइजर का आपका एरेंजर का होता है स्टेट वाइज अलग अलग आपके पेपर होते हैं, ठीक है उसमें पहले पूछा गया ये। ठीक है अब यहां से मुझे एक चीज याद आ गई, अब यहां पे थोड़ा सा जान लो इस चीज के बारे में कि ये कब आपका एस्टेब्लिश हुआ था, कब हुआ था, डेट लिख लो उसकी, 20 अक्टूबर 1993 में, 20 अक्टूबर 1993, ठीक है 20 अक्टूबर 1993 में क्या हुआ था, एस्टेब्लिश हुआ था, बना था ये, ठीक है ये लिख लो। अब देखो यहाँ पे बात आती है, अब एरिया प्रोडक्शन की बात कर लो, मैं यहीं पे एरिया प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, अगर हम किसकी बात करें, हम वर्ल्ड की बात करें, अगर हम वर्ल्ड का डाटा देखें तो आपने याद रखना है, तो सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होती है वर्ल्ड में कहाँ पे होती है आपकी, चाइना आएगा सबसे आगे, फिर आपका इंडिया आएगा, फिर आपका पाकिस्तान आएगा मस्टर्ड में, लिख लो इसको एरिया एंड प्रोडक्शन दोनों में। ठीक है वही हम बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, इंडिया की बात कर लेते हैं, किसकी बात करेंगे, इंडिया की, अगर हम इंडिया के इसके जियोग्राफिकल एरिया के बारे में बात करें मस्टर्ड का, ठीक है डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें, तो इंडिया आपको याद रखना है राजस्थान स्टेट में सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि हमने कभी क्या पढ़ा अभी, जो पुलपरम पढ़ी हमने, ठीक है रिसर्च सेंटर हमने पढ़ा, ठीक है राजस्थान आपका पहले आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, यूपी आएगा, यूपी के बाद कौन सा आएगा, हरियाणा आएगा, कौन सा हरियाणा आएगा, ठीक है राजस्थान यूपी एंड हरियाणा, ये आपको याद रखना है, राजस्थान यूपी एंड हरियाणा आपको याद रखना है, ठीक है राजस्थान यूपी एंड हरियाणा, ठीक है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है। मैं पानी पी लेता हूं, चलिए पी लिया पानी। अब आते हैं हम सीड रेट पे, किस पे आते हैं, सीड रेट पे आते हैं, जल ही जीवन है, जल होगा तो जीवन होगा, नहीं तो फिर क्या होगा, समझते हो आप सभी, सीड रेट की बात कर लेते हैं, किसकी बात करते हैं, सीड रेट की बात करते हैं, ठीक है किसकी बात करें, सीड रेट की बात करें, तो आपको यहाँ पे याद रखना है, सीड रेट याद रखना है 4 से 5 किलोग्राम क्या लगेगा आपको पर हेक्टेयर में, सीड रेट 4 to 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर, ठीक है हिंदी में बोल दिया इंग्लिश में बोल दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको हिंदी नहीं आती है, ठीक है 4 to 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर सीड रेट, ठीक है उनकी BSc हो जाती है, BSc तक उनको पता नहीं लगता कि 50 किसको बोलते हैं, 50 सर हमें इंग्लिश में बताओ 50 क्या होता है, 68 बोलते हैं उनको पता नहीं होता 68 क्या होता है, BSc में पहुंच जाते हैं, फिर जाते हैं वो कहाँ पे FO बन के फार्मर के पास, तो उनको पता नहीं फार्मर किस में बात करेगा, हिंदी में बात करेगा या फिर नॉर्मल अपनी भाषा में बात करेगा, तो फार्मर उसको गालियां मारता है, चल जाते रे बस से बाहर है,
ठीक है। अंग्रेज भारत छोड़ो, ठीक है। सीड रेट की बात होगी, 4 से 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर में लगाएंगे, ठीक है। 1 हेक्टेयर में कितना बीज बोएंगे हम, 4 से 5 किलोग्राम बोएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे इंटरक्रॉपिंग की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, इंटरक्रॉपिंग की बात कर लेते हैं, इंटरक्रॉपिंग की बात करते हैं। अच्छा, सिमरन भी क्लास में है, वेरी गुड। अभी हंस रही है, हंसी मजाक चला हुआ है, ठीक है, सीरियस हो जाओ, क्लास लगी है बेटा। इंटरक्रॉपिंग किसकी बात कर रहे हैं, इंटरक्रॉपिंग की बात कर रहे हैं। अब देखो, हमने पहले डिस्कस करा इंटरक्रॉपिंग का मतलब दो या तीन क्रॉप हम साथ में लगाएंगे, इसके साथ में, किसके साथ में, दो तीन क्रॉप और लगाएंगे। देखो, अगर बात करें मस्टर्ड की, बात करें, आपने 3 4 लाइनों में क्या लगाया, मस्टर्ड लगाया। उसके बाद 3 4 लाइनों में क्या लगा सकते हैं आप, ग्राम लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। और 3 4 लाइनों में क्या लगाओगे आप यहाँ पे, क्या लगाओगे आप यहाँ पे, अलसी, ARSI, ठीक है। अगर हम इंटरक्रॉपिंग की बात करें तो हम क्या लगाते हैं, ग्राम लगाते हैं, ठीक है, अलसी लगाते हैं, और हम क्या लगाते हैं इसमें, आपका मस्टर्ड। इसकी इंटरक्रॉपिंग हम साथ में करते हैं, ठीक है, साथ में लगाएंगे। तो अगर आप इंटरक्रॉपिंग कर रहे हो, अगर आप इंटरक्रॉपिंग कर रहे हो तो सीड रेट कितना यूज करेगा आप मस्टर्ड का, तो मस्टर्ड का सीड रेट हम उस कंडीशन में कितना यूज करते हैं, हम यूज करते हैं 2 to 3 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 2 से 3 किलोग्राम बीज हम 1 हेक्टेयर में देंगे अगर आप इंटरक्रॉपिंग कर रहे हो। अगर आप इंटरक्रॉपिंग नहीं कर रहे हो तो 4 से 5 किलोग्राम बीज आपने 1 हेक्टेयर में लगाना है, कितना लगाना है, 4 से 5 किलोग्राम बीज आपने 1 हेक्टेयर में लगाना है। अच्छा, शुरू से हो सिमरन जी, वेरी गुड, ठीक है। जो जो स्टूडेंट शुरू से क्लासेस लगा रहे हैं, सब पूरी क्लास अटेंड कर रहा है, उसके मार्क्स भी उतने आ रहे हैं। देखो, सिमरन का रैंक टेस्ट में हर एक टेस्ट टेस्ट में मेंटेन है, ठीक है, बहुत अच्छा रैंक है। और सिमरन जी, लास्ट तक लगाते जाना अपने, ठीक है, लास्ट तक टिके रहना, ठीक है, लास्ट तक टिकोगे, कंटिन्यू पढ़ते जाओगे तो स्कोर अच्छा होगा। और करण लखनपाल जी क्लास में, करण लखनपाल, करण लखनपाल, करण लखनपाल, और उन्होंने तो चार्ट भी बना लिए। देखो, आपके बीच के स्टूडेंट है जो मेरे से पढ़ रहे हैं, वो साथ में चार्ट बना रहे हैं, जो क्रॉप मैं कर रहा हूँ साथ साथ में चार्ट मेरे बना रहे हैं। वो डेली मुझे चार्ट भेजते, सर मैंने इतना बना लिया, मैंने ये बना लिया, मैंने ये चार्ट कर लिया, वो मुझे भेजते हैं बना के, ठीक है, वो चार्ट बना रहे हैं, ठीक है। देखो, एग्री सिलेबस तो हम फिनिश करेंगे, हम 5 से 8 सितंबर तक फिनिश होगा हमारा सिलेबस, 5 से 8 सितंबर तक, 13 तक आपका एग्जामिनेशन है, 5 to 8 सितंबर तक मैं देता हूँ आपको, कि इतने में कर दूंगा, ठीक है। ट्राई नहीं करेंगे सिमरन जी, ट्राई नहीं करना है, करना ही है, ट्राई नहीं करना है, ट्राई का ऑप्शन आपके पास नहीं है, करना है तो करना है, डू एंड डाई, ठीक है, दो ऑप्शन लेके चलो, डू एंड डाई, करो या मरो वाली रणनीति। हम स्पेसिंग पे आ जाते हैं, किस पे आते हैं, स्पेसिंग पे आते हैं। अब देखो, हमें सही स्पेसिंग भी देनी पड़ेगी, किसके लिए, अगर हम सही स्पेसिंग नहीं देंगे प्लांट में तो क्या होगा, या तो हमारे इकट्ठे इकट्ठे प्लांट हो जाएंगे, तो कंपटीशन करेंगे, किसके लिए कंपटीशन करेंगे, न्यूट्रिएंट्स के लिए करेंगे, सनलाइट के लिए करेंगे। देखो, अगर अब जनसंख्या पॉपुलेशन ज़्यादा होगी प्लांट की, तो क्या होगा, खाना सभी को नहीं मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, सनलाइट सभी को नहीं मिलेगी, तो हमें प्रॉपर स्पेसिंग देनी पड़ेगी, क्या देनी पड़ेगी, प्रॉपर स्पेसिंग देनी पड़ेगी उसमें, ठीक है। तो स्पेसिंग की बात करें तो यहाँ पे जनरली, अगर स्पेसिंग की बात करें हम, यहाँ पे स्पेसिंग देंगे हम दो तरह से, कैसे, जैसे हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, इंडियन मस्टर्ड की बात की हमने, किसकी बात की थी हमने, इंडियन मस्टर्ड की बात की थी, किसकी बात की थी, इंडियन मस्टर्ड की बात की थी। अगर हम इंडियन मस्टर्ड की बात करें तो यहाँ पे स्पेसिंग कितने देंगे हम, 45 into 10 सेंटीमीटर, कितनी देंगे, 45 से 10 सेंटीमीटर तक देंगे। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं हम किसकी, इंडियन मस्टर्ड, साइंटिफिक नेम क्या था, ब्रासिका, ब्रासिका क्या था, ब्रासिका जूनसिया साइंटिफिक नेम था इंडियन मस्टर्ड का। देखो, 45 क्या है यहाँ पे, रो टू रो है, क्या है, रो टू रो है, 10 सेंटीमीटर क्या है, प्लांट टू प्लांट है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, रो टू रो, प्लांट टू प्लांट, यानी कि ये क्या, एक रो है, ये दूसरी रो है, लाइन मार दी हमने, कितना डिस्टेंस देना है, 45 सेंटीमीटर देना है इसके बीच में, यानी कि एक प्लांट यहाँ इस लाइन पे, हमने यहाँ पे जो लाइन लगाई, इसके बाद दूसरी लाइन हम मारेंगे, लाइन लेंगे तो हम क्या लेंगे, 45 सेंटीमीटर का डिस्टेंस देंगे, फिर हम दूसरी लाइन मारेंगे, वहां पे हम क्या करेंगे, सीड शोइंग करेंगे, बीजे हम बीज, ठीक है, ये हो गया रो टू रो डिस्टेंस, क्या हो गया, रो टू रो डिस्टेंस। अब आते हैं प्लांट टू प्लांट, ठीक है, हमने दो रो यहाँ पे ले ली एग्जाम्पल के लिए, अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्लांट लगाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है। अब इस प्लांट और इस प्लांट के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर, यानी कि किसके बीच कितना होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर आपका डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। ये आपका रिकमेंडेड डिस्टेंस, आपका स्पेसिंग आपकी किसके लिए, इंडियन मस्टर्ड के लिए, ब्रासिका जूनसिया के लिए, ठीक है। और ये हम बात करते हैं येलो एंड
येलो एंड ब्लैक मस्टर्ड किसकी बात करेंगे? येलो एंड ब्लैक मस्टर्ड की बात करें, ठीक है? तो इसकी स्पेसिंग कितनी होगी? याद रखिएगा, 30 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, 30 इंटू 10 सेंटीमीटर, यानी कि रो टू रो कितनी होगी? 30 सेंटीमीटर होगी। प्लांट टू प्लांट कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर होगी। इसकी क्या स्पेसिंग होगी? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखना, भूलना मत इसको, स्पेसिंग आपको याद रखनी है। वहीं पे मैं बात करते हैं, स्पेसिंग हमें पता लग गया। अब क्या चीज याद रखनी है? अब कितनी डेप्थ में सीड डालना है आपको? सीड जो आप जमीन में डालोगे, कितना नीचे डालोगे, ठीक है, वो आपको याद रखना है। वो भी आपको ऑप्टिमम डालना है। ऐसा नहीं डालना कि आप ज्यादा नीचे डालोगे तो सड़ जाएगा, ऊपर डालोगे तो पक्षियां खा जाएगी आपकी, या फिर कुछ भी आपका हो सकता है, ठीक है? तो इसकी डेप्थ की बात करें, 2.5 टू 3 सेंटीमीटर डेप्थ में क्या करोगे आप? यहाँ पे सीड की शोइंग करोगे। कितने में? 2.5 टू 3 सेंटीमीटर डेप्थ में, ठीक है? 2.5 टू 3 सेंटीमीटर डेप्थ में क्या करोगे? सीड की शोइंग करोगे। किसकी? मस्टर्ड की, सरसों की, ठीक है? क्लियर है? क्लियर आप सभी को? अब बात आती है किसकी? टाइमिंग की बात आती है। हम बीजे कब भाई इसको? शोइंग टाइम की बात आती है। किसकी बात है? शोइंग टाइम की बात आती है। क्वेश्चन पूछ जाता है, अगर हम शोइंग टाइम की बात करें तो यहाँ पे आपको सिंपल सा याद रखना है, ये क्रॉप कौन सी है? खरीफ है कि रबी क्रॉप है? जल्दी से बताओ। यस आर एन कटोच, आंसर मी। मस्टर्ड रबी क्रॉप है कि खरीफ क्रॉप है? देखो वाइस प्रमाण में क्वेश्चन पूछा भी गया था आपसे, शायद से रबी खरीफ क्रॉप का कुछ पूछा गया था, आई थिंक। जल्दी बताओ, खरीफ है कि रबी है? मस्टर्ड, कोई तो बताओ यार। आर्यन कटोच, आर्यन कटोच, चांटा.com, चांटा.com, सिमरन, चांटा.com, चांटा.com। मेरे को लग रहा है तुम सो चुके हैं, लग रहा है सो चुके हैं। कहां पे हो? कौन सी दुनिया में खोए हो? हाँ? खाना वाना खाया आप सभी ने? कि डिनर किया कि नहीं किया अभी तक? आरएन डिनर किया है आपने? दीवम, दीवम की जो ये होती है ना, इंद्रियां होती है, थोड़ा लेट काम करती है, ठीक है? दीवम सब ने, मतलब सब कुछ हो गया है, दीवम बाद में चला लास्ट में पीछे से भंडारा खाने, ठीक है? लास्ट में जाएंगे, ठीक है? हाँ जी, दीवम चक्रवर्ती जी, अभी आप रात में पहरा देने सुन जाते हो 2 बजे? आप 2 बजे पहरा देते हो सुबह तक रात में? दुखी राग पे हाथ रख देते हो आप, दुखती राग पे हाथ रख देते हो आप? देना पड़ेगा हमें, ध्यान रखना पड़ेगा आपका। दीवम रोने लग गए, ठीक है? जा दिल पे मत लो, ठीक है? शोइंग टाइम की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? शोइंग टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है? अब देखो, पहली बात है रबी क्रॉप है ये। क्या है रबी क्रॉप है? आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा रबी क्रॉप के एग्जांपल कौन कौन सी है। बीट है, ठीक है, मस्टर्ड है आपकी, पी है, मटर जिसको बोलते हैं, ये सारी चीजें ग्राम है आपकी, क्या है? रबी, ठीक है? रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल आपके सारे, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है, रबी क्रॉप है आपकी। अब देखो, रबी क्रॉप की बात करें, कब हम शोइंग करते हैं? कब करते हैं शोइंग? जल्दी से बताओ, मैंने पहले बता दिया है आपको, लेक्चर में पहले डिस्कस कर चुका हूँ इसको मैं। लेक्चर नंबर 3 जाके देखना अभी, ठीक है? लेक्चर नंबर 3 जाके देखना, ठीक है? वहां पर डिस्कस कर चुका हूँ इसको मैं, जल्दी बताओ। हाँ, अक्टूबर नवंबर, क्या करते हैं? अक्टूबर नवंबर में। लेकिन अगर हम मस्टर्ड की बात करें, खासकर मस्टर्ड की बात करें, तो इसका जो सही टाइमिंग है, क्या टाइमिंग है इसका? 15 सितंबर से है। कि क्या है? 15 सितंबर टू 15 अक्टूबर, ठीक है? 15 सितंबर टू 15 अक्टूबर क्या इसका टाइमिंग है, ठीक है? शोइंग टाइम है इसकी 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक। अब शोइंग कर ली, शोइंग टाइमिंग का पता है, बीज डाल दिया, लेकिन अब क्या हो सकता है वहां पे? कंडीशन क्या हो सकती है? फंगस, बीमारियां लगती है, ठीक है? तरह तरह की बीमारियां आती है, तो हमें क्या करना चाहिए? इलाज से बेहतर परहेज, यही था डायलॉग आपका। हाँ, इलाज से परहेज बेहतर, ठीक है? इलाज से परहेज बेहतर। आपको पता है कि ये बीमारियां लगने वाली है, क्या करेंगे उसका परहेज पहले करेंगे। जैसे बच्चा पैदा होता है ना, क्या करते हैं? उसको टीके लगाते हैं। क्या लगाते हैं? टीके लगाते हैं। क्यों? ताकि उसको बीमारी, डिजीज कोई ना हो जाए आगे चल के, ठीक है? तो उसको ना हो जाए, तो वैसा ही हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है? क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम? क्या करेंगे हम? जो उसका सीड है, उसका बीज है, उसको हम, उसकी हम ट्रीटमेंट करेंगे। क्या करेंगे? ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है? सीड को हम ट्रीट करेंगे, बोने से पहले क्या करेंगे?
वैक्सीनेशन यहाँ पे नहीं की जाएगी, ये बच्चों में की जाती है, ठीक है। हम वैक्सीनेशन नहीं करते हम सीड में, ठीक है। हमें ट्रीटमेंट करते हैं, हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि हम क्या है पेड़ पौधे के डॉक्टर है, यहाँ पे ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। पूरा फी लाओ अपना डॉक्टर का, डॉक्टर वाला फी लाओ, ऐसा नहीं कि आप MBBS ही करो, ठीक है। यहाँ पे आप ट्रीटमेंट करोगे, बीज के साथ करोगे, पेड़ पौधों के साथ करोगे, फूलों के साथ करोगे आप, ठीक है, फलों के साथ ट्रीटमेंट करोगे, ठीक है, और किसके साथ करोगे आप, कीड़े मकौड़ों के साथ करोगे, ये सारी चीज़ों के साथ आप ट्रीटमेंट यहाँ पे करने वाले हो। बहुत मज़ा आने वाला है कोर्स में, ठीक है। और सीड ट्रीटमेंट करेंगे यहाँ पे, क्या करेंगे, सीड ट्रीटमेंट करेंगे। अब कैसे करेंगे सीड ट्रीटमेंट, किससे करेंगे, देखो फंजीसाइड, किससे करेंगे, फंजीसाइड, ठीक है, ताकि फंगस से क्या हो। अब देखो सीड ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट का सिंपल सा फंडा है, क्या फंडा है, जहाँ भी सीड ट्रीटमेंट दिया हो, तो अगर हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं तो शोइंग के बाद 40 डेज तक क्या होता है, उसमें कोई फंगल अटैक नहीं होता है हमारी क्रॉप में, कोई भी फंगस अटैक नहीं करता है। अब आपको पता है, कोई फंगस हो, ठीक है, कोई फंगस हो वो सिर्फ 3 तरह से डिजीज कॉज करता है प्लांट में। कौन सा, एक आपकी एयर बॉर्न होती है, एक आपकी सीड बॉर्न होती है, एक आपकी सॉयल बॉर्न होती है। प्लांट में 3 तरह से डिजीज होती है, कैसे, एक एयर बॉर्न होती है, एक सीड बॉर्न होती है, एक सॉयल बॉर्न होती है, या फिर एयर से होती है, या फिर सीड से आती है, या फिर सॉयल से आती है, 3 तरह से आती है। और सबसे ज्यादा जो डिजीज होती है कहाँ से होती है, सीड से फैलती है, किसमें, प्लांट में। सबसे ज्यादा जो डिजीज होती है वो क्या होती है, सीड बॉर्न होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि फार्मर को कि सीड सबसे पहले, सीड अच्छी क्वालिटी का लो, क्योंकि हर एक डिजीज होती है सीड से होती है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सीड को हमने पहले ट्रीटमेंट की हो ना, तो उसमें हमारे बीमारी के चांसेस कम रहते हैं। कब तक रहते हैं, अगर हम कोई भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो आपको याद रखना है, जब आप शोइंग कर रहे हो, आप बीज बीज रहे हो, तो उसके 40 दिन तक क्या करता है, वो काम करता है वो आपका, ठीक है। अगर हम फंजीसाइड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, हम फंजीसाइड का हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो ये आपको याद रखना है, 40 दिन तक यहाँ पे फंगस अटैक से बच जाएगा क्या आपका प्लांट, क्या बचेगा, आपका प्लांट बचेगा, ठीक है। कैरोसिन ऑयल से शायद, पता नहीं, आई डोंट नो यार। फंजीसाइड, अब देखो फंजीसाइड पे आते हैं, कौन सा फंजीसाइड हम यूज करेंगे यहाँ पे, आपने याद रखना, रिडोमिल, रिडोमिल, RIDO, रिडोमिल, मार्केट में मिलता है ये रिडोमिल, बहुत सस्ता, ज्यादा महंगा नहीं मिलता है, ठीक है। जो खेती बाड़ी करता है उसको पता होगा रिडोमिल के बारे में, ठीक है। रिडोमिल की बात करें, हम कितना देंगे इसमें, कितना देंगे सीड में, आपको याद रखना रिकमेंड डोज क्या है इसकी, 8 ग्राम आपको लगाना है, कितने में, 1 किलोग्राम सीड में, 1 किलोग्राम सीड में आपको आपको 8 ग्राम रिडोमिल आपको मिला देना है। कितना मिलाना है, 8 किलो, 8 ग्राम आपको रिडोमिल 1 किलोग्राम सीड में आपको देना है, ठीक है। ये फंजीसाइड आपका, अब कैसे देना है आपको, 24 आवर्स पहले, यानी कि बिजनेस से 24 घंटे पहले आपको ये मिला देना है, किसमें, बीज में। बट आज की डेट में अगर आप देखते हो, सीड पहले ट्रीट होके आते हैं, जिसमें कलर होता है ना, आप कल से मटर आप देखते हो, उसमें कलर होता है, रेड होता है, कई बार ग्रीन होता है बाहर से, तो पहले ट्रीटेड होता है, ट्रीटमेंट उसकी पहले की होती है, ठीक है। जो हाइब्रिड सीड आपका होता है, तो वहाँ पे आपको जरूरत नहीं है उसको ट्रीटमेंट करने की, लेकिन अगर आपने करना हो तब भी करना हो तो आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ताकि आपका क्या हो जाए, पहली बीमारी आपकी ना लगे उसमें, ठीक है। 8 ग्राम रिडोमिल हम क्या करेंगे, 1 किलोग्राम में मिक्सअप कर देंगे, कैसे करेंगे, आपको थोड़ा सा इसमें पानी लेना है, ठीक है, पानी लेना है और इसको मिला देना है पूरा इसमें सीड में, ठीक है, पूरी सीड में, बाहर से आपका लगना चाहिए पूरी सीड में, ठीक है, कवर होना चाहिए। फिर आपने सुखाना है इसको, कहाँ पर सुखाना है आपको, धूप में नहीं सुखाना, धूप पे नहीं सुखाना है, छाया पे रखना है आपने, क्या रखना है, छाया पे रखना है, फिर बिल्कुल सूखने देना, जब तक सूखे ना तब तक इसको बीजना नहीं है, ठीक है, छाया पे रख देना है। ये तरीका है सीड ट्रीटमेंट का, क्या है, सीड ट्रीटमेंट का। देखो रेड होता है, ठीक है, आयरन कटोची, एक बार जाना दुकान पे, ठीक है, पैसे लेके जाना, खाली हाथ मत जाना, महंगा मिलता है बीज, ठीक है, पैसे लेके जाना, आधा किलो का पैकेट लेके आना, ठीक है, उनको बोला हाइब्रिड सीड दो मुझे, ठीक है। वहां पर उसको खोलना, उस पैकेट को अंदर क्या मिलेगा, मटर का दाना वैसे हरा होता है, ठीक है, हरा होता है, लेकिन अगर ट्रीटमेंट की हो तो उसका कलर चेंज होता है, वहां पे केमिकल लगा होता है उसमें, ठीक है, हाइब्रिड सीड में पहले लगा के रखा होता है, उसकी ट्रीटमेंट पहले की होती है, ठीक है। हम फंजीसाइड से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हम इंसेक्टीसाइड से भी कर सकते हैं, ताकि उसमें इंसेक्ट ना लगे, लेकिन बेसिकली हम जो करते हैं, हम फंजीसाइड से करते हैं, क्योंकि फंगस का अटैक का ज्यादा क्या रहता है, सॉल्ट से आता है, सीड से आता है, फंगस अटैक करता है, ठीक है। देखो राहुल चौहान जी, कौन सी दुनिया में सोए हो आप, ठीक है, पैरामेडिकल के फॉर्म की डेट भरने को रहेगी, कब की निकल चुकी है, इतना हम चीख रहे हैं यूट्यूब पे, पता नहीं क्यों चीख रहे हैं, ठीक है। चैनल आपके लिए बनाओ यार, सब्सक्राइब करके रखो, अपडेट रहो, ठीक है। इंस्टाग्राम में आप इतना अपडेट रहते हो कि किसकी वीडियो पहले होगी, ठीक है, सौरभ जोशी का ब्लॉग आया नहीं, आप तुरंत देखने स्टार्ट हो जाते हो कि सौरभ जोशी का ब्लॉग आ गया,
यहाँ पे आपको चैनल, यहाँ पे आपके फ्यूचर के बारे में सारी चीजें बताई जाती है, फॉरम कब निकलते हैं पूरा अपडेट दिया जाता है, वो आपने सब्सक्राइब नहीं करना, वहाँ आपने देखना, चेकआउट नहीं करना, गलती आपकी मेरी गलती नहीं है, हम वीडियो बना देते हैं हर एक तरह से, ठीक है, गलती आपकी है, ठीक है, टेंशन आपकी मेरी हेडेक नहीं है, ठीक है। जो स्टूडेंट फॉलो कर रहे हैं वो स्टूडेंट मजा ले रहे हैं, वो बेनिफिट ले रहे हैं चैनल से, जिसने बेनिफिट नहीं लेना उसका कोई फायदा नहीं। फिर रेड नहीं, हरा भी होता है, कलर होता है, चेंज होता है। सुबी जी आप ही देख लेना, दुकानदार को बोलना हरे वाला दो मुझे, ठीक है, होता है, ठीक है, होता है, कभी दुकान चले जाना। अब बात करते हैं हम किसकी, हमने सब कुछ कर लिया यहाँ पे, ठीक है, अब हमें क्या देना पड़ेगा उसमें, खाद गोबर वगैरह सब कुछ डालना पड़ेगा। गोबर की बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे, यानी कि FOM फार्म यार्ड मेन्योर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नहीं पूछ जाते हैं फार्म यार्ड मेन्योर से, FOM से क्वेश्चन नहीं पूछ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन पूछ जाने फर्टिलाइजर से, किससे, फर्टिलाइजर से, ठीक है, यानी कि उर्वरक फर्टिलाइजर। हम यहाँ पे NPK नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटाश, इसकी रिकमेंड डोज पूछते हैं हमेशा। अगर हम NPK की बात करें तो रिकमेंडेड डोज क्या है, नाइट्रोजन 80, ठीक है, फॉस्फोरस 60, पोटाश कितने, 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर, किलोग्राम पर हेक्टेयर, ठीक है, रिकमेंडेड डोज इसकी। मैंने और से आवाज प्रमाण में आया था, GK का आया होगा आपको, हाँ, सौरभ जोशी वाली बहुत गंदी आदत है, ठीक है, वो तो पैसा छाप रहा है, तो मनी पैसा छाप रहा है, ठीक, उसका तो कुछ नहीं जा रहा है, उसके तो मजे लगे हुए हैं, लेकिन जो नुकसान हो रहा है वो देखने वालों का हो रहा है। देखो NPK की बात करें 80-60-40, ठीक है, 80-60-40। अब देखो 80 किलोग्राम नाइट्रोजन देनी पड़ेगी एक हेक्टेयर में, रिकमेंडेड है। यहाँ पे किसकी बात करें, नाइट्रोजन की बात कर ली, फॉस्फोरस कितनी, 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर, और पोटाश की बात करें 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर फर्टिलाइजर उर्वरक, ठीक है, ये रिकमेंडेड डोज है, किसकी है, रिकमेंडेड डोज है। और हम क्या करेंगे, जिप्सम भी अप्लाई करते हैं यहाँ पे, जिप्सम कितना देंगे, 250 किलोग्राम पर हेक्टेयर, ये हम शोइंग से पहले अप्लाई करते हैं, फील्ड में फेंकते हैं जिप्सम, ठीक है, जिप्सम फेंकते हैं, क्यों फेंकते हैं जिप्सम, जल्दी बताओ, यस, जल्दी से, तो पीजी वाला यहाँ पे आंसर दो जल्दी से मुझे, जिप्सम 250 किलोग्राम पर हेक्टेयर में देंगे, क्यों देंगे जिप्सम हम यहाँ पे, क्या कारण है जिप्सम को देने का। फर्टिलाइजर मैंने आपको बता दिया हम क्यों अप्लाई करते हैं, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, इसलिए मैं डिटेल में यहाँ पे नहीं जा रहा हूँ, अगर डिटेल में जाने लग जाऊँ तो लेक्चर 3 घंटे का चला जाएगा मस्टर्ड का ही, ठीक है, अगर डिटेल में जाऊँ तो बहुत ज़्यादा डिटेल में। फिर जल्दी से बताओ जिप्सम क्यों अप्लाई करते हैं, पहले डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर में आई थिंक, जहाँ तक मुझे पता है, जिप्सम आयन घोष कहाँ पे है, सूबी चौधरी कहाँ पे, सिमरन कहाँ पे, कहाँ पे हो, आर्यन कटोच जी, जिंक नहीं, हमने जिप्सम क्यों अप्लाई करते हैं, यहाँ पे मैं बता दूँ, ठीक है, एक हम लाइम अप्लाई करते हैं, ठीक है, एक हम जिप्सम अप्लाई करते हैं, लाइम कहाँ पे करते हैं, जिप्सम कहाँ पे अप्लाई करते हैं, एसिडिटी एंड एल्कलिनिटी के बारे में जानो, पीएच के बारे में आओ, जल्दी से आओ, ठीक है, पीएच के बारे में थोड़ा सा ज्ञान सोचो। अगर आपका पीएच क्या हो जाए, एल्कलाइन सॉइल हो जाए, तो क्या करेंगे, हाँ यस, जल्दी बताओ, हाँ वेरी गुड, अब भाई थोड़ी पटरी पे गेम इनकी, अब पटरी पे आ रही, थोड़ा सा हिंट दिया मैंने एसिड और बेस का, नहीं तो सोए हुए हैं दुनिया में, ठीक है, सोए हुए हैं दुनिया में। अब देखो किसकी बात करें, यहाँ पे हम बात करें, अगर एसिडिटी ज़्यादा बढ़ जाए सॉइल में, एसिड ज़्यादा जाए, तो हम क्या करते हैं, लाइम अप्लाई करते हैं, लाइम देते हैं, ठीक है। अगर एल्कलाइन हो जाए सॉइल, क्या हो जाए, एल्कलाइन हो जाए, बेस बढ़ जाए सॉइल में, तो क्या करते हैं, जिप्सम अप्लाई करते हैं, ये तो पहले बताया था, क्लियर है, इतना क्लियर है, इसमें किसी का डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, अब आएंगे हम किस पे सिंचाई पे आएंगे, इरिगेशन पे आएंगे, किस पे पानी भी देना पड़ेगा हमें, ठीक है, पानी भी देना पड़ेगा, इरिगेशन पे आते हैं, ठीक है, यहां पे जो फर्स्ट इरिगेशन हम देंगे, पहली सिंचाई कब करेंगे हम यहां पे, ठीक है, फर्स्ट इरिगेशन,
देखो अगर आयरन कटौती अगर आपकी क्या हो जाए, सॉइल में आपके बेस ज़्यादा हो, बेसिसिटी बेस बेसिक हो सॉइल, तो उसको ठीक करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए क्या करेंगे, हम जिप्सम अप्लाई करेंगे। अगर आपकी एसिडिटी ज़्यादा हो सॉइल में तो क्या करेंगे, वहाँ पे लाइम अप्लाई करते हैं, केमिकल्स हैं आपके ये, ठीक है। फर्स्ट इरीगेशन की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट इरीगेशन की बात कर रहे हैं, तो हम कब देंगे, कब देंगे फर्स्ट इरीगेशन, आयरन कटौती मुझे बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ अभी भी। फर्स्ट इरीगेशन की बात करें कब करेंगे हम, ब्रांचिंग स्टेज पे कब करेंगे, ब्रांचिंग जब उसमें ब्रांचिंग आएगी, ब्रांचिंग स्टेज पे पहली इरीगेशन देंगे। कब देंगे, ब्रांचिंग स्टेज पे देंगे पहली इरीगेशन। अब वो ब्रांचिंग स्टेज कब आएगी, क्वेश्चन ये भी आता है, अब ब्रांचिंग स्टेज कब आएगी, ठीक है, उसका ध्यान रखना है। वॉइस आई पीछे से आवाज आई आपको बर्तन भी नाच रहे हैं रात को, ठीक है, हमारी आवाज से, इतनी जोर से हमारी आवाज है, अब तक सुनाई नहीं दे रही है, यहाँ पे देखो बर्तन को भी फर्क पड़ गया, नीचे गिर गया यहाँ से। देखो फर्स्ट इरिगेशन कब देंगे, ब्रांचिंग स्टेज पे देंगे, किस पे देंगे, ब्रांचिंग पे, हाँ इरिगेशन की बात करें, खाली गिलास था बेचारा पानी के लिए गया, हाँ गिलास गिर गया, वेरी गुड, आयन ने पहले ही पता लगा रहे, भविष्यवाणी बहुत अच्छा, ये तांत्रिक बाबा जी हैं आयन घोष, तांत्रिक बाबा हमारे, इनको पहले ही पता होता है, बाहर से जान लेते हैं, ठीक है। देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट इरिगेशन की बात करें, ब्रांचिंग स्टेज पे देंगे पहली इरिगेशन, तो ब्रांचिंग स्टेज कब आती है, 30 से 35 दिन बाद, बीजने के बाद, डेज आफ्टर शोइंग, ठीक है, 30 से 35 दिन बाद क्या की ब्रांचिंग स्टेज, तब हमें पहली इरिगेशन देनी पड़ेगी मस्टर्ड में। अगर हम सेकेंड इरीगेशन की बात करें, किसकी बात करें, थोड़ा फोन में ऊपर रखता हूँ ऐसे ताकि मेरी शक्ल ढंग से दिखे आपको, ठीक है। कई बार होता है ना कि आपका आपकी आपकी जो अट्रैक्शन होती है वो शक्ल की तरफ होती है, यहाँ पे जो पीडीएफ उसकी तरफ नहीं होती है, मुंह से मैं क्या बोल रहा हूँ उसकी तरफ होती है आपकी कई बार, ठीक है, क्योंकि हम जब स्टूडेंट को देखते हैं ना तो स्टूडेंट के हमें रिप्लाई ऐसे आते हैं, तो बता रहा हूँ मैं, तभी मैं अपनी शक्ल पूरी दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज की बात करें, किसकी, नेक्स्ट इरीगेशन देंगे हम, कब देंगे, पॉड जब फॉर्मेशन होगी, कब होगी, पॉड फॉर्मेशन पे, लिख लो इसको, पॉड फॉर्मेशन, सर प्लीज स्टार्ट बीएससी एरिथर क्लास फॉर नॉन आईसर स्टूडेंट्स, कोई बात नहीं, आपको भी यहाँ पे मिलेगी क्लासेस, नॉन आईसीआर वालों को भी मिले क्लासेस, ठीक है, ये भी नॉन आईसीआर वालों की, ऐसा नहीं कि आईसीआर वालों के लिए है, सिलेबस सेम होता है दोनों जगह, ठीक है। आज रात को आपको बड़ी गानों की याद आ रही है, यहाँ पे बड़ी गानों की याद आ रही है, पॉड फॉर्मेशन पे देंगे। और पॉड पॉड कब आएंगे, यानी कि पॉड क्या होता है, फलियां, फलियां, पॉड क्या होती है, फलियां, जब फलियां उसकी आएगी, किसकी, सरसों की फलियां, फलियों के अंदर क्या लगते हैं, उसके दाने, सीड लगते हैं फलियों के अंदर, देखा होगा आपने, ठीक है, जिसने सरसों देखा होगा वो जानता होगा, ठीक है, देखा करें यार, नेचुरल चीजें आपकी, नेचर प्रकृति आपकी, देखा करें हर एक चीज, देखा करें, ठीक है, नॉलेज मिलती है। पॉड फॉर्मेशन, पॉड यानी कि फलियां जब आएगी तब हमें इरिगेशन देनी पड़ेगी, वो कब आएगी, 60 से 65 दिन बाद, 60 से 65 डेज आफ्टर शोइंग। सुबी चौधरी बहुत अच्छा, पहले से इनको पहले से पढ़ा हुआ इन्होंने। सुबी जी आप मुझे बताओ, पीजी के लिए ट्राई करो कि यूजी के लिए आप क्लास ले रहे हो, जल्दी से बताओ सुबी चौधरी, यूजी की पीजी के लिए हो, यूजी पीजी, सुबी जी जल्दी से बताओ जी, दर्द लगी होगी, होगी आपके हाथों में टाइप करने से ज्यादा। देखो हम किस पे आते हैं, ब्राइटिस पे आते हैं, नॉन आईसर स्टूडेंट्स की लाइफ बर्बाद है लोग कहते हैं, ठीक है, लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, ठीक है, लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, ठीक है, मैं आपके समक्ष बैठा हूँ, नॉन आईसर स्टूडेंट हूँ मैं भी, नॉन आईसर स्टूडेंट हूँ, ठीक है, लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, जिसने करना होता है कुछ भी कर लेता है, उसके लिए नॉन आईसीआर नॉन आईसीआर मैटर नहीं करता है, वो कुछ भी कर लेगा, ठीक है, वो मैटर नहीं करता है, जो आप पढ़ाते हो वो पहले से थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ, बहुत अच्छा सुबी जी, बहुत अच्छा, बट आप सुबी जी मुझे बताओ, यूजी के लिए कि पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो आप। देखो हम वराइटीज की बात कर लेते हैं, ठीक है, ये बहुत अच्छा तरीका है इनका, देखो सुबी जी जो ये तरीका अपनाते हैं बहुत अच्छा तरीका है पढ़ने का। देखिए अगर आप लेक्चर, जो लेक्चर होने वाला है उस लेक्चर को आप पहले पढ़ के आए तो क्या होता है कि आपकी चीजें क्या होती है, क्लियर होती है, चीजें आपको ज्यादा समझ आती है, ठीक है। और यूजी के लिए प्रिपेयर करें, अच्छी बात है कि यूजी के लिए कर रहे हैं,
और पीजी वालों को इतना चीज़ों का पता नहीं होता है, जो पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसको नहीं पता होता इतना, ठीक है? तो बहुत अच्छा है। वैराइटीज की बात कर लेते हैं, ठीक है? हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, हम यहाँ पे हम बात करेंगे इंडियन इंडियन मस्टर्ड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इंडियन मस्टर्ड की बात करेंगे। यानी कि ब्रासिका जूनसिया की बात करेंगे, ठीक है? इसकी जो वैराइटीज आपकी कौन कौन सी वैराइटीज होगी, इसकी कौन कौन सी होगी, इसकी आपकी पूसा बोल्ड लिख लो, इसको पूसा बोल्ड लिख लो, पूछी जाती है पूसा बोल्ड, ठीक है? पूसा बोल्ट आपकी दूसरी कौन सी है? T59। पूसा बोल्ट होगी कौन सी, दूसरी कौन सी है? T59 है आपकी, ठीक है? T59 जिसका नाम क्या है? बरुणा। बरुणा क्या नाम इसका? बरुणा नाम है, T59 बरुणा वैरायटी है, ठीक है? मस्टर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? T59 बरुणा। और कौन सी आपकी? RH30। नेक्स्ट लिख लो RH30, ये ब्रासिका जूनेशिया की वैराइटीज है, RH30। नेक्स्ट कौन सी है? अराबली। अराबली है। नेक्स्ट कौन सी है? माया है, माया, ठीक है? नेक्स्ट कौन सी है? नेक्स्ट कौन सी? बसंती। बसंती कुत्तों के सामने मत नाचना, बसंती इंडियन मस्टर्ड की है। बसंती कुत्तों के सामने मत नाचना, बसंती वैरायटी किसकी है? इंडियन मस्टर्ड ब्रासिका जूनेशिया की है। जितने स्टूडेंट्स हैं जल्दी से सेशन को लाइक करिएगा, सेशन को लाइक करिए, 70 स्टूडेंट्स अभी क्लास देख रहे हैं, सेशन को जल्दी से लाइक करो यार, सेशन को जल्दी से लाइक करते जाओ, ठीक है? बसंती होगी, ये इंडियन मस्टर्ड है। हम आते बात करते हैं येलो मस्टर्ड की, किसकी बात करेंगे? येलो मस्टर्ड की लिख लो, येलो मस्टर्ड, ठीक है? देखो बसंती आइडिया बहुत अच्छा आइडिया है, ठीक है? ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है। देखो अब हम येलो मस्टर्ड की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? येलो मस्टर्ड की बात कर रहे हैं, तो यहां पे आपको याद रखना है, तो कौन कौन सी होगी? Type 42 है, ठीक है? TYP Type 42। M3 होगी आपकी, ठीक है? M3 लिख लो इसको जल्दी से, पीली सरसों, ये दो लिख लो फटाफट, अगली लिखाने वाला हूँ। अगली क्या है? K88। K88, ठीक है? Type 42 K88 M3, ठीक है? ये आपकी। और नेक्स्ट कौन है? बिनॉय, BNOY, लिख लिए। अब नेक्स्ट बात करें, किसकी बात करते हैं? ब्राउन मस्टर्ड की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं? ब्राउन मस्टर्ड की बात कर लेते हैं, किसकी बात करेंगे? ब्राउन मस्टर्ड की बात करेंगे। थैंक यू सो मच साइंस लवर ऑल इन वन। ब्राउन मस्टर्ड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? ब्राउन मस्टर्ड की बात कर लेते हैं। इसकी वैरायटी की बात करें आप क्या, पूसा कल्याणी, कौन सी है? पूसा कल्याणी, KLYANI पूसा कल्याणी है। BS70 इंपॉर्टेंट है दोनों आपकी, यह ब्राउन मस्टर्ड की पूसा कल्याणी, BS70 पूसा कल्याणी एंड BS70 मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों, पूसा कल्याणी एंड BS70 है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन कहां से पूछ जाता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी हाइब्रिड वैरायटी, आपकी फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी कौन सी थी? फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी, ठीक है? फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी, अगर हम फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी की बात करें तो आपको याद रखना है कौन सी आपकी है, NRCHB506। फिर से लिख लो, अच्छे से नहीं लिखा मैंने, NRCHB506। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो ICAR के हैं उसके आपको वीडियोस मिलेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की हम डिस्कशन करेंगे, सभी टीचर्स आपको लेके आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सभी सब्जेक्ट्स के यूट्यूब पे मिलेगी आपको वीडियोस, ठीक है? उसके लिए भी रेडी रहेगा, लेकिन हम लास्ट में आएंगे जो पेपर के 3 4 5 दिन रहेंगे, तब तो हम डिस्कशन करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को। NRCHB506 क्या है? फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है। कहाँ पे बनाई गई थी? भरतपुर पे। कहाँ पे? भरतपुर,
BHARET भरतपुर राजस्थान, भरतपुर भी बनाई गई थी, NRC HB ठीक है, भरतपुर पे। सेकंड जो वैरायटी आपकी हाइब्रिड कौन सी है, NRC HB 101, 101 NRC HB 101 सेकंड है आपकी। उसके बाद और भी आपकी वैरायटीज है, ये लिख लो आप, NRC HB 101, और भी आपकी वैरायटी है, वो आपकी DRH 11 है आपकी, ये भी आपकी अदर वैरायटीज, हाइब्रिड वैरायटी आपकी, ठीक है भैया। पूसा जया का आपकी वैरायटी है, ठीक है, पूसा जया, ठीक है, पूसा लिख लो इसको, पूसा जया किसान, KISAN, पूसा जया किसान एक वैरायटी आपकी है। अगर हम इस वैरायटी की बात करें तो ये जो वैरायटी आपकी बनी है, कैसे बनी है, सोमेटिक हाइब्रिडेशन टेक्निक के द्वारा बनाई गई है। पूसा जया जो किसान है आपकी, सोमेटिक हाइब्रिडेशन टेक्निक से बनाई गई, लिख लो इसको, पूसा जया किसान ये किससे बनाई गई है, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक से बनाई गई है। किसने बनाई है, डॉक्टर VL चोपड़ा ने, किसने, डॉक्टर VL चोपड़ा, डॉक्टर VL चोपड़ा, डॉक्टर VL चोपड़ा जी ने बनाई है, कौन सी, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक से, पूसा जया किसान, ठीक है। इसमें जो ऑयल होता है इस वरायटी में कितना होता है, पूसा जया किसान ने पूछा गया पहले, 40% ऑयल इसमें प्रेजेंट होता है, किसमें, पूसा जया किसान में कितना होता है, 40% ऑयल प्रेजेंट होता है, 40% ऑयल प्रेजेंट होता है किसमें, पूसा जया किसान में। अगर हम इसकी यील्ड की बात करें, पैदावार की बात करें पूसा जया किसान की, इसकी जो यील्ड आपकी होती है कितनी होती है, 40 क्विंटल पर हेक्टेयर, कितनी होती है, 40 क्विंटल पर हेक्टेयर इसकी यील्ड होती है आपकी पूसा जया किसान की, 40 क्विंटल पर हेक्टेयर क्या होती है इसकी यील्ड आपकी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है ये, ठीक है, 40 क्विंटल पर हेक्टेयर बहुत ज़्यादा यील्ड होती है। बाकी हम अगर सभी की बात करें, अदर हम इसकी बात करें, ठीक है, किसकी, अदर जो वराइटीज हमारी है, स्पीसीज है, उनकी यील्ड की बात करें तो आपको सिंपल से याद रखना है, तो 22-25 क्विंटल पर हेक्टेयर आपकी यील्ड है, ठीक है। अगर आपसे ऑप्टिमम पूछा है, सभी की पूछा है, अगर आपसे पूछा जाए किसान की पूछा जाए तो आपको 40 क्विंटल पर हेक्टेयर आपको कर देनी है, लेकिन अगर बात करें 20-25 क्विंटल पर हेक्टेयर आपकी होगी। और ये हम बात कर रहे थे बीड मैनेजमेंट की, बात करते हैं किसकी बात करेंगे, बीड मैनेजमेंट की, बीड्स भी आएंगे इसमें। अगर हमें बीड की मैनेजमेंट करनी है, हम कैसे करेंगे, या तो इंटरकल्चर मेथड हम कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे स्प्रे कर देंगे, किसकी, यहाँ पे हम केमिकल्स का यूज करेंगे, कौन सा करेंगे, पेंडामेथालीन, क्या है, पेंडामेथालीन, PENDAMETHALIN, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैम्प भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, स्टैम्प भी इसको बोलते हैं, केमिकल को पेंडा मेथालीन स्टैम्प इसको बोला जाता है। इसका हम यूज करते हैं 1 किलोग्राम पर हेक्टेयर में, 1 किलोग्राम के करेंगे, 1 हेक्टेयर में यूज करेंगे। अब ये जो आपका बीडी साइड है, हर्बी साइड है, ठीक है, ये क्या है, प्री एमरजेंस है, क्या है, प्री एमरजेंस है, क्या है, प्री एमरजेंस, कौन सा है, प्री एमरजेंस आपका है, यानी कि प्री एमरजेंस का मतलब क्या है, हम इसका यूज कब कर सकते हैं, शोइंग से पहले, फसल को बीजने से पहले हम इसका यूज करेंगे, ठीक है, इसलिए इसको प्री एमरजेंस बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद हम इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा नोट्स के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे देखो, जो पंजेंसी आपकी मस्टर्ड में आती है, ठीक है, वो किसकी वजह से आती है, आपकी आइसोथायोसाइनेट की वजह से आती है, ठीक है, आइसोथायोसाइनेट की वजह से आती है, ये आपको याद रखना है। देखो यहाँ पे कुछ वैरायटीज आपकी और भी है, न्यू रिलीज वैरायटी आपकी, लक्ष्मी होगी आपकी, ठीक है, वसुंधरा होगी आपकी, बसंती होगी आपकी, ठीक है, आशीर्वाद आपकी होगी, पूसा जय किसान आपकी होगी, ठीक है, आपकी NRC HB 506 में डिस्कस कर लिए, न्यू रिलीज वैरायटीज आपकी हैं, ठीक है। अब पूसा जय किसान जो वैरायटी आपके यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, इट इज़ दी वैरायटी ऑफ ब्रासिका जूनेसिया, ठीक है, डेवलप्ड इन दी वर्ल्ड बाय प्रोफेसर BL चोपड़ा के द्वारा की गई थी, ठीक है, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक से बनाई गई थी है। हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, NRC HB 506, इट इज द फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ मस्टर्ड इन इंडिया, डेवलप्ड फ्रॉम डायरेक्टरेट ऑफ रेप सीड एंड मस्टर्ड रिसर्च के द्वारा बनाई गई थी, भरतपुर राजस्थान में बनाई गई थी, फरवरी 2009 में बनाई गई थी। NRC HB 101 हाइब्रिड वैरायटी की बात करें, यह क्या है, लेट शोइंग के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल है, ठीक है,
अगर हम बात करें, ये हम कल्टीवेट करते हैं इरीगेटेड एरिया में, एमपी, मध्य प्रदेश हो गया, यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, कुछ आपकी 00 वराइटीज है जिसका नाम क्या है, कैनोला हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका 3% से क्रूसिक एसिड कम होता है, ठीक है, या कोई आ रखना है यहाँ पे। कुछ आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम मस्टर्ड आपके होते हैं, ठीक है, जैसे आपका डीएमएच है, ठीक है, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड है, 11 है, ये क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा गया पे डीएमएच धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, ठीक है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटी है मस्टर्ड की। ये डेवलप की थी किसने, सेंटर ऑफ जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स एट दिल्ली यूनिवर्सिटी ने की थी। किसने की थी, सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट एंड एट दिल्ली यूनिवर्सिटी ने। देखो इसमें यूज क्या किया था, डीएमएच 11 में यूज क्या किया 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 गया था, हाइब्रिडेशन मस्टर्ड का यहाँ पे यूज किया गया था, किसका, बारनेज और बार स्टार टेक्नोलॉजी, जेनेटिक मॉडिफिकेशन के लिए यहाँ पे यूज की गई थी, बारनेज और बार स्टार टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। तो ये जो आपकी है, ये एक हर्बिसाइड टॉलरेंट आपकी क्रॉप है, ठीक है, क्या है, हर्बिसाइड टॉलरेंट, हर्बिसाइड को ये टॉलरेट करती है, ठीक है, एचटी। सीरेट दिया गया, डिजीज यहाँ पे दी गई, डिजीज हम अलग से पढ़ेंगे, तो यहीं पे डिस्कस कर ले डिजीज के बारे में। यहाँ पे आपके यहाँ पे जो डिजीज आती है, ठीक है, अल्टरनेरिया ब्लाइट आती है, अल्टरनेरिया है ये, ठीक है, यहाँ पे अल्टरनेरिया ब्लाइट आपकी होगी, ब्लैक स्पॉट जिसको बोलते हैं, ये जो फैलती है आपकी, इसको करेक्ट करना नोट्स में, अल्टरनेरिया ये TRNAR ये अल्टरनेरिया ब्लाइट, ठीक है, ये किसके द्वारा होती है, अल्टरनेरिया ब्रासिकी, अल्टरनेरिया ब्रासिक की कोला, ठीक है, इसके द्वारा फैलती है। वही हम बात कर लेते हैं, स्क्लेरोटिनिया स्टेम रॉट आपकी होती है, किसके द्वारा होती है, यहाँ पे कौन सा यहाँ पे आपका पैथोजन होगा, ठीक है, स्क्लेरोटिनिया स्क्लेरोटिरोम होगा, ठीक है, क्लब रूट आपकी डिजीज है, कौन सा यहाँ पे आपका पैथोजन होगा, प्लाज्मो डिफोरा ब्रासिकेई, ठीक है, बैक्टीरियल ब्लाइट, लीफ ब्लाइट, ब्लैक रॉट, एग्जेंथोमोनास आपका होगा, ठीक है, ये एग्जेंथोमोनास इसका क्या है आपका, जो आपका ब्लैक रॉट है, बैक्टीरियल ब्लाइट आपका लीफ स्पॉट है। अगर हम यहाँ पे बात करें किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम कंजुअल ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम पैथोजन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एग्जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस होगा, ठीक है, आपका क्या होगा, कंजुअल ऑर्गेनिज्म होगा, जिसकी वजह से क्या होगी, बैक्टीरियल ब्लाइट होगी, लीफ ब्लाइट और ब्लैक रॉट आपकी होती है। बाकी हम ये डिटेल में पढ़ेंगे, प्लांट पैथोलॉजी जब हम पढ़ेंगे वहां पे, हम प्लांट पैथो में कंप्लीट करेंगे इसको, प्लांट पैथो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। डैम्पिंग ऑफ आपकी है, ठीक है, फ्यूसेरियम स्पीसीज, स्पीसीज कौन सी होगी आपकी, राइजोक्टोनिया हो गया, सोलेनो हो गया, ठीक है, डैम्पिंग ऑफ होती है, डैम्पिंग ऑफ में क्या होता है, आपके गिर जाते हैं पौधे, डाउनी मिल्ड्यू हो गया, फंगस है, फंजीसाइड की वजह से फंगस, फंगस से फैलती है, कौन सा फंगस, प्रेनोस्पोरा प्रेसिटिका, ठीक है, पाउडरी मिल्ड्यू हो गया आपका, यहाँ पे दिए गए हैं सारे नाम, व्हाइट रस्ट हो गया आपका, ठीक है, ये सारे आपके क्या है, फंगस, फंगल डिजीज है, इंसेक्ट्स के द्वारा कुछ आपकी होती है, नोट्स आपको मिल जाएंगे इसके, इसको पढ़ लेना एक बार, रट्टा है सारा, ठीक है, नोट्स के आप स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, जो क्लास को बाद में देख रहे हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पे इसका, इंसेक्ट्स के द्वारा जो होती है आपकी, ठीक है, जो यहाँ पे आपकी डिजीज होती है, जो आपकी फंगस के द्वारा फंगल डिजीज आपकी है, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी नोट्स आपको मिल जाएंगे, बाकी जो एक्स्ट्रा चीजें मैंने करवाई है उसके आप नोट्स प्रिपेयर कर लें, नोट्स बना लें आप इसके, क्योंकि यहाँ पे आपको नोट्स बहुत ही सिंपल मिलेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं मिल पाएंगे आपको। तो आज कल हम करवाने वाले हैं आपको कॉटन, कॉटन कल जो क्रॉप करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉटन क्रॉप, वो 2 घंटे की जाएगी क्लास, 2 आवर्स की क्लास जाने वाली कॉटन की, क्योंकि बहुत डिटेल में पढ़नी पड़ेगी कॉटन हमें, कल हम कॉटन को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, कॉटन कल पढ़ेंगे सुबह मॉर्निंग में 8:30 से। मैं बता दूंगा 8:30 मैंने टाइमिंग आपको बता दी, लेकिन अभी मुझे सोने का पता नहीं, मैं सोऊंगा कब रात को, अभी सोने की कोई टाइमिंग मेरी नहीं है, क्योंकि मेरा टारगेट चलता है, जब टारगेट खत्म नहीं होगा तब तक मैं सोऊंगा नहीं, ठीक है, टारगेट का पता नहीं 6 बजे खत्म होता है कि 7 बजे खत्म होता है, सुबह रात के 2 बजे खत्म होता है, उसको कोई गारंटी नहीं होती है मेरी, ठीक है, क्योंकि मैं डेली का टारगेट लेके चलता हूँ, नेक्स्ट काम अगले दिन करता हूँ, तब तक रेस्ट नहीं करता हूँ, तो टारगेट पूरा जब कंप्लीट होगा तभी मैं सोऊंगा, फिर मैं आपको टाइमिंग बता दूंगा, तब मैं आपको टाइमिंग बता दूंगा, अगर टाइमिंग रहेगी तो 8:30 ही रहेगी सुबह, अगर टाइमिंग चेंज होगी तो मैं चेंज करूंगा, ठीक है, तो मैं चेंज कर दूंगा आपकी टाइमिंग क्लास की, बट हम कॉटन कलर डिस्कस करेंगे, कॉटन बहुत लंबा है, ठीक है,
और फाइबर क्रॉप है आपकी, इसलिए पढ़नी तो पड़ेगी कॉटन। क्वेश्चन यहाँ से आते हैं कॉटन से, हमें डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। 22 लेक्चर खत्म हो चुके हैं, बहुत लेक्चर अभी बचे हुए हैं हमारे। ठीक है भाई, क्लास के लिए धन्यवाद। बाकी वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, कमेंट कर लें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी जो नोट्स हमारे वो हमारे एप्लीकेशन पे इंस्पायरिंग ग्रुप के नाम से जल्दी से डाउनलोड कर लें। बाकी टेलीग्राम पे जल्दी से जुड़ जाएं। कोई स्पेसिफिक डाउट आप इंस्टाग्राम पे जल्दी से फॉलो करें, इंस्पायरिंग ग्रुप टेक के नाम से है। डिस्क्रिप्शन पे सब लिंक दिए गए हैं, वहाँ मैसेज कर सकते हो, आपके रिप्लाई मिल जाते हैं। अजय सर भेजेंगे समय सारणी। हाँ अजय सर ने शायद से समय सारणी भेज दिया है, बाकी अगर टाइमिंग चेंज होती है तो टीचर खुद भेजते हैं फिर अपने हिसाब से, क्योंकि जितने भी टीचर यहाँ पे है सब यहाँ पे स्टूडेंट है। ठीक है, सारे अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, पर स्पेसिफिक पता नहीं होता कि कब कॉलेज जाना होता है, कब वापस आना होता है, तो वो पता नहीं होता है। मेरी तो इंडस्ट्रियल चली हुई है, फील्ड वर्क चला हुआ आजकल, रावे चला हुआ है, रावे में जाते हैं आजकल, तो उसका पता नहीं होता कितने बजे आते हैं, कितने बजे जाते हैं फील्ड में, वो भी पता नहीं होता, स्पेसिफिक पता नहीं होता, तो उस हिसाब से सारा टाइम मैनेज करना पड़ता है आगे पीछे। गुड नाइट, गुड नाइट स्टूडेंट्स, गुड नाइट, मिलते हैं सुबह, मिलते हैं। बाकी आपने कल के लिए टेस्ट प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, टेस्ट रखना तैयार करके 13 लेक्चर तक, जहाँ से हमने पहला लिया था उसके बाद 13 लेक्चर तक प्रिपेयर कर देना। ठीक है, लेक्चर नंबर 8 से लेकर 13 तक प्रिपेयर करके रखना। कल आपका कभी भी टेस्ट हो सकता है, कभी भी डल सकता है टेस्ट आपका, इसलिए प्रिपेयर करके रखें, कल आपको टेस्ट मिलेगा उसका। कल है टेस्ट एग्री का। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।